प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, खुदा का धन्यवाद हो कि आज उसने हमें अपने भवन में आने का अनुग्रह दिया। आइए है हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु के वचन में से निकालेंगे हम पढ़ने के लिए भजन संहिता अध्याय 118, भजन संहिता अध्याय 118, साम 118, और इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में खुदा को पुकारा, खुदा ने मुझे सुनकर मेरे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझे घेर लिया है, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन्हें निश्चय नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के नाई घेर लिया है, परंतु कांटों की आग की नाई वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। आमीन। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं उन्हें निश्चय नष्ट कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। आमीन। खुदा मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। हालेलुया। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न डरूंगा वरन जीवित रहूंगा और खुदा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। खुदा ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया है। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो खुदा के ऊपर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आमीन। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा खुदा है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को नदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा खुदा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा खुदा है, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा भरी रहेगी। खुदा के पढ़े और सुने गए वचन पर आशीष हो। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस खुदा के चरणों पर हम आएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवित उद्धारकर्ता, अनुग्रहकारी, सामर्थी खुदा, तीनों लोकों के स्वामी, हमारे जीवित ओ महान खुदा, तेरे चरणों में आते हैं। ओ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तूने आज हमें इस पहलौटों की सभा में आने का अनुग्रह दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं।
ओ दुनिया में तो बहुत कलेश होता है, लेकिन तेरा वचन हमें कहता है ढांढस बांधो मैंने संसार को जीत लिया है। इसी विश्वास में होते हुए हम तेरे चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वचन में तो लिखा है स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। ओ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तू हमारे लिए इतना नम्र और दीन बन गया, तू हमारे दिलों में आना चाहता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा वेलकम करते हैं, हम तुझे इनवाइट करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। ओ प्यारे प्रभु, हम चाहते हैं जो भी वचन में से पढ़ा गया और गीत गाया गया जाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे हुजूर में कबूल हो प्यारे प्रभु। और हमारे जो बहन भाई बीमार है कलीसिया के, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप उन्हें संपूर्ण चंगाई दे। जो रास्ते में है किसी कारणवश लेट है प्यारे प्रभु, आप उनके रास्तों को खोलें ताकि वो संपूर्ण रीति से आकर तेरा धन्यवाद करने वाले हो सके। तू हमारे अपराधों को अधर्मों को तू क्षमा कर। ओ प्यारे प्रभु, सच में बात है तूने हम पर इतने उपकार किए हैं, हम तेरा धन्यवाद जितना भी करें उतना कम है प्यारे प्रभु। ओ प्यारे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। आगे की सारी कार्रवाई तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। हर भटकाने वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप यहाँ से दूर करें और अपने पवित्र आत्मा से भरकर प्रत्येक जन को तू यहाँ पर इस्तेमाल कर। ओ विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं अपने बजाने वाले भाइयों को, गाने वाले बहन भाइयों को तेरे सुपुर्द करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और सारा इज्जत आदर महिमा तेरे चरणों में लेके आते हैं। ये छोटी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप आनंदित हैं? आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। हम एक गीत गाएंगे, टू गॉड बी द ग्लोरी ग्रेट थिंग ही हैज डन। आमीन। जब उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए तो क्यों ना हम उसकी आराधना उपासना करें। आमीन। To God be the glory, great things He had done. So lovely the one that He gave us His Son, who lived in His life when atonement for sin, and opened the life gate that all may go. Praise the Lord, let the earth hear His voice.
धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवनों में हमारे लिए बड़े बड़े अद्भुत और आश्चर्य के काम किए। हम सब तशरीफ रख सकते हैं और हम बैठते समय लाइनों का ध्यान रखेंगे। खुदा ने सच में हमारे जीवनों में, हम प्रत्येक बहन भाइयों के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य के काम किए, तो क्यों ना खुशी से, आनंद से भरकर उसकी उपासना और आराधना करें। आप मेरे साथ करना चाहेंगे? आमीन। तो पूरे हम जोश से हमें गीत गाएंगे, आनंद से गीत गाओ खुशी से हर वक्त, और हम तालियों के साथ गीत गाएंगे। आनंद से गीत गाओ खुशी से हर वक्त।
नदी है वो आज भी आपके और मेरे दिल से आसमान की प्रेम की नदी। अगर उसका प्यार हमारे जीवनों में नहीं होता तो हम जो इतने बहन भाई यहाँ पर आज बैठे हैं वो नहीं बैठे होते। दुनिया में लाखों और लाखों लोग हैं, लेकिन खुदा ने आपको और मुझे ये सौभाग्य दिया कि हम आज उस जीवित खुदा के चरणों में आके बैठ सके। आमीन। और जैसे वो कह रहे हैं पवित्र लोगों के लिए ये दुख और मुसीबत बहुत जल्दी, ये आपके और मेरे लिए बहुत खुशखबरी है कि आपके और मेरे जो दुख हैं, परेशानियां हैं, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। और गाते हुए हम मुंतजिर रहे यीशु जल्दी आएगा। आप इस बात का विश्वास रखें मेरे प्यारे बहन भाइयों। आमीन। मौका होगा गवाहियों के लिए, यदि जो बहन भाई गवाही देना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं भी खुदावंद का हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपने भवन में आने का मुझे मौका दिया। और मेरी भी एक छोटी सी गवाही है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। पिछले संडे जो हमारे पास्टर जी ने मैसेज दिया उसे मैं तकरीबन 5 साल से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी मैं उसे पढ़ता था तो बस ऐसे निकल जाता था। लेकिन अंकल जी ने उसे इतने अच्छी तरीके से समझाया कि मैं ऐसा उसके अंदर घुस गया कि मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं कभी इस वाले गेट में हूँ, कभी मुझे लग रहा है कि मैं मिडल वाले गेट में हूँ। मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से मेरे दिल में उतार दिया और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि अब मुझे वो समझ आने लगा है। और एक और गवाही है, मैंने 2-3 महीने तकरीबन अंकल जी से पूछा था कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ रही है क्योंकि मैं एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, तो उसमें काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। जो एडवोकेट्स हैं वो जानते हैं कि काम कम रहता है, तो कभी कभार ऐसा होता था कि घर में बहुत दिन रुकना पड़ता था जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। अंकल जी से मैंने पूछा तो अंकल जी ने कहा कि एक कोई ऐसी देखो कि कोई जॉब कॉरपोरेट वगैरह में कोई इस तरह की देख लो। तो फिर वो मेरे एक्चुअली मुताबिक नहीं थी वो जो मैंने एडवाइस मांगी थी, तो इसलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया। तो लेकिन उसका सफ़र मैं कर रहा था 2-3 महीने से, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने पूछा अपनी सिस्टर से कि अगर कोई जॉब हो तो बता देना कॉर्पोरेट के अंदर, क्योंकि मैं एडवोकेट से रिलेटेड ही कोई जॉब करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि जब होगा तो मैं बता दूँगी। मैंने खुदा से बोला ही था, बस अगले दिन मुझे एक कॉल आ गया और उन्होंने बोला कि आर यू इंटरेस्टेड। मैंने बोला ओके, मैं आ सकता हूँ, ऐसा कुछ है। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि एक ऐसा ऐसा कॉल आया है मुझे, और आप यकीन करो कि वो जो मेरी सिस्टर है उससे मैंने बोला था कि क्या ये वही कंपनी है, मतलब कि जिसमें आपने मुझे मना किया था कि अभी इसमें जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसी कंपनी में खुदा ने जॉब की रिक्वायरमेंट बना दी। Amen. और ने मेरे जीवन को बिल्कुल अनसर्टेनिटी से एक बिल्कुल अच्छी लाइफ में बना दिया है। अब मैं मंडे टू फ्राइडे अपना जॉब करता हूँ, सैटरडे को मैं अपने जो मेरे 2-3 केस हैं जो भी उनको देखता हूँ, और अंकल जी के एडवाइस ने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। Amen, amen. और एक अच्छी तरीके की लाइफ में जी रहा हूँ, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ गई है, और खुदा में संडे के लिए मेरे को छुट्टी मिल जाती है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। Amen, आज तो amen. बहुत खुश हूँ मैं, खुदा के घर में आया हूँ, बस खुदा का धन्यवाद करना चाहता था। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू भाई, क्योंकि वचन जैसे बताता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो कुछ तुम मांगोगे मेरे नाम से वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा बाप का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चर्च में आने का फजल दिया। नेक्स्ट संडे मेरे को रात में बहुत फीवर था, तो फिर सुबह मेरे को चक्कर भी आए थे, तो उस सुबह मेरे जो मामू हैं उन्होंने यहाँ पर पास्टर अंकल से दुआ करवाई, तो खुदा बाप ने मेरे को छुआ और आशीषित किया, जो चंगाई थी। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं खुदा बाप का और पास्टर अंकल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज लॉर्ड। मैं भी खुदावन का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर, उसने अपने भवन आने का फजल दिया। लास्ट संडे मैं नहीं आ पाया था, मेरी ड्यूटी लग गई थी और लास्ट संडे मेरे को गवाही देनी थी, तो मैं आज दे रहा हूँ। गवाही थोड़ी सी दुनियावी है, लेकिन खुदावन हमारे
छोटी छोटी दुआओं को सुन लेता है और हमारा जवाब देता है, उसका धन्यवाद देता हूँ। हुआ ये कि एक भाई हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, कह रहे भाई मैं तेरे अकाउंट में 20,000 रुपये डाल रहा हूँ और तू ना मेरी वाइफ के अकाउंट में डाल देना। मैंने कहा ठीक है भाई डाल दो, और मैंने 20,000 रुपये वो किसी और के अकाउंट में डाल दिए। अब मुझे इस बात का पता नहीं था, शाम तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए और जब उनका फ़ोन आया तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये 20,000 रुपये तो बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए, अगर ऐसा हो गया तो पूरा हिल जाएगा मेरा तो सब कुछ। मैंने खुदावन से दुआ करी, खुदावा मैं तो, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है ये, और आप ही इसमें से मेरे को निकालो। मैं बैंक गया, बैंक वालों ने जवाब दे दिया, कह रहे जी आपकी आपके एंड से गलती है तो उस बंदे से आप बात कर सकते हो, कुछ कर सकते हो तो ठीक है। अब उस बंदे का ना मेरे पास नंबर था ना कुछ था, बस मैंने कभी बार कोड से उसको स्कैन करके पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे तो उसका नाम पहले आ गया और जिसको मेरे को करना था वो आया ही नहीं। अब मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान हो गया। मैंने अपने अनूप भाई से बात करी, चिंटू भाई से, अब उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी। क्राइम सेल में भी हमने कंप्लेंट कराई, बैंक में भी कंप्लेंट कराई, मैंने अपने बैंक में, उसके बैंक में, हर जगह हमने कंप्लेंट करी, सब ने मेरे को मना कर दिया। अब 12 तारीख की बात थी, मंडे था, और मैं सुबह अपना दुआ करके ऑफिस के लिए जा रहा था। मैंने कहा खुदा मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ये किसको पे किया था और इतने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, मैं बहुत बड़ा परेशान हो गया इस चीज़ को लेके, और मैं ऑफिस चला गया। मैंने कहा खुदा आप आज आप देख लो, अब जैसा भी होगा देखा जाएगा, मतलब पे तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो अब मैं ऑफिस चला गया, शाम को ऑफिस से घर आया, ऑफिस से आके मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और अपना पैदल घर जा रहा था। घर जाते जाते मेरे को पता नहीं कहाँ से स्ट्राइक हुआ कि यार तू एक बार तूने अपनी स्कूटी वॉश कराई थी उसके पास जा और उसका बार कोड स्कैन कर। अब मैं उसके पास गया और मैंने उसका बार कोड स्कैन किया तो वही बंदा निकला जिसको मैंने 20,000 रुपये पे किया था। मैंने उससे, मैंने कहा भैया मेरे को आपसे बात करनी है, 2 मिनट चाहिए। कहने लगा बताओ। मैंने कहा मैंने आपके अकाउंट में बाय मिस्टेक 20,000 रुपये डाल दिए। खुदावन ने उसके दिल को नर्म किया, उसने मेरा 20,000 रुपये मुझे वापस किया। हालेलुया। और मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ, जब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे और मैंने खुदावन के सामने रखा तो उसी ने मेरे दुआ को सुना और वो 20,000 रुपये मुझे वापस मिले। उसका नाम मुबारक देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दो अच्छी गवाहियों के लिए कि वो हमारे विषय में जो भी कल्पनाएं करता है वो बहुत अच्छी होती है। आमीन। तो ये गवाहियां हमारे ये उस बात का प्रमाण है कि खुदा हमारे विषय में सोचता है। क्योंकि जैसे मैं अभी पिछले हफ्ते एक जब वचन पढ़ रहा था तो एक बात स्ट्राइक हुई कि हम सोचते तो बहुत हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, खुदा मेरे लिए तू ये कर दे और मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चों के लिए ये कर दूँ या मैं वो कर दूँ। तो यिर्मयाह में आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन जब खुदा की आयत वो स्ट्राइक करती है तो आपको झंझोड़ देती है। तो खुदा उस बात में कह रहा है, यिर्मयाह 29 में खुदा ने बोला यहोवा की ये वाणी है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई मनुष्य की वाणी हो, यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, है ना, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वह हानि की नहीं वरन लाभ की है। तो इस बात को सुन के मेरे को बड़ा ही आश्चर्य और बड़ा मन को शांति मिली कि खुदा हमारे विषय में सोचिए कल्पना कर रहा है जैसे हम अपने बच्चों के विषय में करते हैं, लेकिन खुदा हमारे विषय में कल्पना करता है, जो बातें मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ वो हानि की नहीं वरन तुम्हारे लाभ की है, और क्या होगा, अंत में तुम्हारी आशा ना टूटेगी। आमीन। तो खुदा का धन्यवाद हो कि वो हमसे अपने वचनों के द्वारा, आयतों के द्वारा विश्वास दिलाकर बातचीत करता है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आपके जीवन में भी ऐसी बातें होंगी तो मैं चाहता हूँ आप भी शेयर किया कीजिए खुदा की इन बातों को ताकि हमारा हौसला और बढ़े। आमीन। और इन अच्छी गवाहियों के लिए भी खुदा का धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच में कुछ स्पेशल सॉन्ग्स हैं तो मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले सिस्टर आकाशिया को। आई विल कॉल अप ऑन द स्टेज सिस्टर आकाशिया। आई फाउंड अ गुड फ्रेंड। मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया। यीशु हमारा बहुत एक अच्छा मित्र है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग इन पोर्चुगीज़।
that is my country language, and I know that the people here will not understand, but at least I ask God to help everyone to be connected to this song, because it's a very good song, and the name song in English is I Found a Good Friend. Achei bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solícito de minha alma, sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Milhares para lhe entreguei minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. E dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Abandonará, se fiel, obediente eu viver. O muro é de fogo e me protegerá até que venha em mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Escolhido dos milhares para mim, o escolhido dos milhares para mim, o escolhido dos.
seus milhares para mim. Praise the Lord. बहन को खुदा बहुत आशीष और बरकत दे। अगले गीत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा बहन जरूशा को। अ वंडरफुल सेवियर इज जीसस माय फ्रेंड। आमेन। आप विश्वास करते हैं वो यीशु हमारा वंडरफुल सेवियर है। आमेन। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। इस गाने के थ्रू मैं खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने हमारे प्राणों की रक्षा करी है, शैतान के हर जाल से बचाया और गुनाहों से आज़ादी देकर अपने साथ लेकर चल रहा है। यही बातें इस गाने में हैं। Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. Dry thirsty land. He hideth my life in the depths of his love and covers me there with his hands and covers me there with his hands. Is Jesus my Lord? He taketh my burdens away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. Of the skies, his birth.
mention his wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hided my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty hand. Praise the Lord. Lord. खुदा का धन्यवाद हो अच्छे गीत के लिए. सच बात है, उसने हमें अपने हाथों के पंखों के और हाथों की छाया के नीचे उसने छुपा के रखा है. Amen. आप विश्वास करते हैं? Amen. अगले गीत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भाई जॉय को. यीशु में है शांति आराम अपने इस गीत के साथ. आप सभी को प्रेज द लॉर्ड. खुदा का बड़ा शुक्र हो कि वो हमारे बीच में पाया जाता है. आमीन. यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा. यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा. आनंद है यीशु में सदा आनंद है. परिमान पापों से पाओगे ना जात. फिर ना रहेगा पाप, फिर ना रहेगा दान, फिर ना रहेगा पाप, फिर ना रहेगा दान. यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा. आनंद है यीशु में सदा आनंद है. यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में जीवन है. यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में जीवन है. जो कोई पिएगा मृत्यु न देखेगा, जो कोई पिएगा मृत्यु न देखेगा. यीशु में है शांति आराम, पाओगे तुम उसमें सदा. आनंद है यीशु में सदा आनंद है. जान दे दी पापों के प्रायश्चित कारण वो. यीशु ने क्रूस पर जान दे दी पापों के प्रायश्चित कारण वो. अपने को शून्य किया, लहू बहा दिया,
अपने को शून्य किया, लहू बहा दिया। यीशु में है शांति आराम, पाओगे उसमें तुम सदा। आनंद है, आनंद है, यीशु में सदा आनंद है। आनंद है, आनंद है, यीशु में सदा आनंद है। Amen. वचन बताता है, जैसे पौलुस कह रहे हैं, सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आमेन। ये आनंद का विषय है जब हम खुदा के भवन में आते हैं, कि जैसे हम भजन संहिता में पढ़ रहे थे, वहाँ जय जयकार की ध्वनि होती है। कहाँ पर? जहाँ पे भक्त लोग जमा होते हैं। आमेन। एक गीत और हम सुनेंगे, क्वार्टरेट, चाक पर अपनी रख मुझे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से खुदावन ने हमें मौका दिया है कि उसकी तारीफ और बड़ाई करें, और खुदावन हमें इस भवन में यूं लेकर आया है कि हम तो एक मिट्टी का लौंदा ही हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह, जो कि हमारा कुम्हार है, चाहता है कि हम उसकी सूरत और समानता में ढलते चले जाएं, और इसीलिए उसने हमें यहाँ आके ये मौका दिया है कि उसकी तारीफ करके एक और रिवॉर्ड उसके लिए कमा जाए।
तुझको छुपा अपने हाथों से मुझको सजा भर के रूह से अपनी बहन भाइयों को बड़ी आशीष और बरकत दे आमीन। ये सच बात है, मिट्टी में जान हूँ और भर दे अपनी रूह और सामर्थ से, और वो खुदा जो है हमें अपने वचनों से ब्लेस करता हुआ जा रहा है। हर संडे आप आते हैं और आप सुनते हैं कि खुदा हमें कैसे आनंददायक वचनों से आशीषित कर रहे हैं। आमीन। आपने भाई धीरज की गवाही सुनी, उसके अंदर वो बता रहे हैं कि मैं कितनी बार इन वचनों को पढ़ के चला जाता था। ऐसे हमारे साथ भी होता है, हम इन वचनों को पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन जब खुदा उन चीज़ों पे अपने दास के द्वारा उस लाइट को मारता है, फ्लिकरिंग करता है, तो ये वचन हमारे जीवन में एक चलती फिरती पतरी बन जाता है, है ना। एक बार चेले ये कह रहे हैं, प्रभु जब यीशु मसीह और चेले अकेले बैठ गए तो कह रहे हैं, प्रभु ये बातें बता हमें क्या है। तो यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं, तुम्हें तो स्वर्ग के राजों की भेदों की समझ दी गई है, है ना। ये स्वर्ग के जो राज के ये जो भेद खोले जा रहे हैं, अभी एक भेद और खोला जाएगा इस संडे, है ना। आप तैयार हैं? तो उसी तरह से यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं, तुम्हें तो स्वर्ग के राज के भेदों की ज्ञान समझ दी गई है, लेकिन ये भार वाले लोगों के लिए सारी चीज़ें क्या हैं, ये भेद हैं, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि वो सुने और समझे और फिरे। तो खुदा नहीं चाहता हर कोई इन भेदों को समझे और पश्चाताप करे। आमीन। क्योंकि आप और मैं उसके अपने लोग हैं, हम उसकी प्रजा है, उसकी निज भेड़े हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। आप आनंदित हुए अच्छे गीतों के द्वारा, अच्छी गवाहियों के द्वारा। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो अच्छी चीज़ों के लिए, क्योंकि जब वो हमारे बीच में होता है तो सब चीज़ अच्छा ही अच्छा और अच्छा होता है। वो बंद रखेंगे और वचन से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, और कोई हिला डुली ना करे। ये गंभीर समय होगा जबकि खुदा हमसे बात करने के लिए है। धन्यवाद हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में मौजूद है, तेरा धन्यवाद हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और जबकि तेरा दास बोलने पर है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप अपने आत्मिक मन्ने से तोड़ तोड़ कर अपनी भेड़ों को खिलाएं प्यारे प्रभु, और चाहते हैं प्रत्येक बहन भाइयों के हृदय का कान का मसा करें प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जबकि तेरा वचन बोया जाए 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फनवंत लाने वाला हो प्यारे प्रभु यीशु मसीह। छोटी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आँखें बंद रखेंगे हम और उस गीत को गाएंगे जो खुदा के दूत को पसंद था, only believe, all things are possible। इसी बीच मैं अपने अजीज पास्टर साहब को इनवाइट करूंगा कि वो हमारे बीच में आए, और जैसा खुदा ने उनको एक वचन दिया है आज के लिए भेड़ों के लिए, वो हमें दे। Thank you.
उसकी इंजील और उसका पांचवा अध्याय और 21 आयत से लेकर 43 आयत तक, मरकुस 5 21 से मार्क चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 21 टिल 43, मार्क चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 21 ऑनवर्ड्स, मरकुस की इंजील 5वां बाब 21वीं आयत से इस तरीके से लिखा हुआ है। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वो झील के किनारे था, और यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा, और उसने कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर अपना हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत व्याधियों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ ने पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जैसे उसने ये काम किया था चारों दृष्टि की। तब वो स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि राजनाल के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर केवल विश्वास रख। और उसे पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उससे भीतर जाकर उससे कहा तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उस सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुमी, जिसका अर्थ ये है कि हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए और फिर उसने उन्हें चिता कर आज्ञा दी ये बात कोई जानने ना पाए और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। खुदावंत ने कलाम के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी बारगाहों में आने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। खुदावंत यीशु मसीह,
हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं, हमसे ख्यालन फेलन कॉलन जान अनजान में अपराध और पाप हुए हैं, इसलिए निवेदन करते हैं कि आप हमें क्षमा करें और अब अनुग्रह की चादर हमारे पर उड़ा दें, क्योंकि आप हमारी धार्मिकता अर्थात यहोवा सिद्केनु है। मेरी जबान को छूकर पाक रूप से मसा करें ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूँ। सुनने वालों के हृदय कान का खतना करें, पाक रूप मसा दें ताकि आवाज़ को आपकी सुनकर स्वीकार कर सकें और आपकी मर्जी हमारी जिंदगी में मुजस्सम होने पाए। यदि हमारे बीच में कोई बीमार मुसीबत परेशान है, प्रभु आप उसको चंगाई प्रदान करें, शैतानी बंधनों से छुटकारा दें, ताकि आज हर कोई कह सके भला हुआ जो आज हम अपने खुदा के घर गए जहाँ खुदा ने मुझसे मुलाकात करी और मुझे आनंद से भरा। एक बार फिर प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रख रहे हैं, बैठ सकते हैं आप लोग। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो इन तमाम आशीषों के लिए जो स्वर्ग से हमें प्रदान करता चल रहा है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, गाया बजाया है, गाने सुने हैं, गवाहियाँ सुनी हैं, प्रार्थना करी है और अब समय आया है कि हम खुदा के कलाम में से भी कुछ देखें। ये पूरी बाइबिल एक बहुत बड़ी टेस्टमनी की बुक है, पूरी बाइबिल। आदम का जिक्र लेते हैं, अब्राहम का लेते हैं, सैमुएल लेते हैं, मूसा लेते हैं, ये बड़े बड़े टेस्टमनीज हैं जो नबियों के द्वारा रसूलों के द्वारा हम तक पहुंचाई गई हैं। बीच में कुछ नीति वचन भी हैं, श्रेष्ठ गीत भी हैं और अच्छे उदाहरण और उपदेश भी मत्ती में पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखें पूरी बाइबल तो ये एक टेस्टमनी की बुक है कि खुदा ने अपने बच्चों की ज़िंदगी में क्या किया, कैसे किया। वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं और उनसे हम प्रेरणा लेकर के मसीह जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जिक्र है, कोई नया नहीं है, पुराना आप सभी लोग जानते हैं, है ना। लेकिन इससे क्या हमको प्रेरणा मिल सकती है, हम ज़रूर उसकी ओर ध्यान देंगे। खुदावंद यीशु मसीह अपने खुदा बाप के काम में लगा हुआ है, रात दिन उसी काम में लगा हुआ, और वो बोलता है मुझे अपने पिता की मर्ज़ी पूरी करना है और जब तक वो मुझे दिखा ना दे तब तक मैं करता भी नहीं हूँ। अपने बाप के काम में रात दिन लगा हुआ है। हमारे आपके लिए कितना बड़ा एक एग्जाम्पल उदाहरण है, हम भी अपने बाप के काम में लगे रहें, बाप के काम को करने के लिए समय निकालें। ये नहीं कि जब फालतू समय होगा तो देखेंगे, ना ऐसी बात नहीं है। हमारे स्वर्गीय पिता का काम है, हम उसके लिए समय निकालें, टाइम स्पेयर करें, उससे प्रार्थना करें, गवाही दें, कहीं जाएं, विजिट करें, प्रचार करें, लोगों को संदेश देकर लाएं, कुछ ना कुछ। हम अपने बाप की मर्ज़ी क्या है कि लोगों को उद्धार दे, अनंत जीवन दे, यही स्वर्गीय पिता की इच्छा है। और इस काम में यीशु मसीह लगा रहा और मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत बढ़िया बात है कि इस काम में लगे रहें। यीशु मसीह, अभी देखिए, यायर एक आराधनालय का सरदार है और वो सरदार क्या करता है और कहाँ ये घटना घट रही है मैं आपको बताना, ज़रा सा थोड़ा आप विजुअलाइज करिए, दिमाग में थोड़ा कल्पना कीजिए। अब समझ लीजिए मैं आपकी तरफ उल्टा बैठा हूँ, मान लीजिए। अब कल्पना कीजिए आप लोग, इसराइल देश कैसा था, मैं थोड़ा बता दूं आपकी तरफ से। ये पूरी बाउंड्री लाइन चली आ रही है और यहाँ पे भूमध्य सागर है, पूरी लाइन चली आ रही है, इसके पीछे भूमध्य सागर है, यहाँ याफा, अश्कलोन, गाजा, फाजा, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ से इसराइल देश में चलते आइए तो यहाँ पर आपको डेड सी मिलेगा, लंबा सा डेड सी है। इस डेड सी में यर्दन नदी आकर गर्तम हो जाती है, यर्दन नदी ऊपर से बहती चली आ रही है, चलते 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 बीच में कई शहर आ रहे हैं और ऊपर गलील सागर पे पहुंच जाती है। गलील सागर बहुत बड़ी झील है, उसे झील भी कहते हैं, सागर भी कहते हैं। अब आप गलील सागर को पास पहुंच जाइए, बाकी भूल जाइए। गलील सागर ऐसा है, इस प्रकार से यूँ समझ लीजिए, गोल, नीचे चोंच है थोड़ी सी, ये आ रहा यूँ गया और जा करके यहाँ यूं मिल गया, इसको कहते हैं गलील सागर। आ रहे समझ में? बस गलील सागर पे ध्यान दीजिए।
ये जो गलील सागर है यहाँ पे कई शहर बसे हुए हैं, मैं उनके नाम ले रहा हूँ। ये देखिए बाउंड्री आ रही है, यहाँ पर एक शहर है जिसको कहते हैं तिबेरियास, और उसके आगे जो समुद्र का पोर्शन आ रहा है उसको तिबेरियास की झील भी कहते हैं। ये टोटल है गलील सागर तिबेरियास। इसके थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे मगडाला है, अर्थात जहाँ की मरियम मगदलीनी थी, मगडाला शहर है। उससे थोड़ा और ऊपर आइए तो यहाँ पर एक कफरनहूम शहर है, बहुत मशहूर कफरनहूम, सॉरी गन्नेसरत है, गन्नेसरत है। गन्नेसरत से थोड़ा और ऊपर आइए तो यहाँ पर आपको कफरनहूम शहर मिलेगा, और कफरनहूम से थोड़ा सा और आगे आइए तो यहाँ पर आपको गिरासेनियों का इलाका मिलेगा, गिरगेशा जहाँ का शहर है। तो यहाँ पर गिरगेशा है, यहाँ कफरनहूम है, यहाँ पर गन्नेसरत है, यहाँ पर मगदाला है, और यहाँ पर तिबेरियास। तो इस कोस्ट की बात है, और ये पूरा समुंदर गलील सागर जिसे कहते हैं। एक बार फिर सबसे ये तिबेरियास, उसके ऊपर मगदाला, उसके ऊपर गन्नेसरत, उसके ऊपर कफरनहूम, और वहाँ से थोड़ा आगे चलें यहाँ गिरगेशा है जिसे गदारा भी कहते हैं। और आजकल तो हम देश बड़े बड़े देशों को कहते हैं, पुराने ज़माने छोटा सा इलाका होता था उसको देश कह देते थे, एक शहर हो उसको हमारा देश, हमारा देश। तो ये गलील सागर है, इस गलील सागर के चारों तरफ शहर बसे हुए, लेकिन ये उत्तरी सिरा है उसे बड़े मशहूर शहर हैं। इससे पहले कि हम यायर पे आए, ज़रा यायर से पहले देखें हुआ क्या, आप देख लिए कि मरकुस में ये केवल पांचवें अध्याय की ही बात चल रही है ना। कुछ समय पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, थोड़े समय पुरानी बात है कि यीशु मसीह यर्दन में गए, बपतिस्मा लिया, जंगल में गए, लौट करके आए, प्रचार करना शुरू कर दिया नासरत से। जैसे ही नासरत से चल रहे थे उन्हें एक अंधा मिल गया, अंधे को उन्होंने ठीक कर दिया, मशहूरी बढ़ गई। थोड़ा आगे चले तो आराधनालय में एक दिन प्रीचिंग कर रहे थे और एक सूखे हाथ वाला था, उन्होंने कहा सूखे हाथ वाले से अपना हाथ आगे बढ़ा और जिसका मरा लकड़ी का हाथ था एकदम आगे बढ़ के काम करने लगा। फिर थोड़ा आगे चले थे दो चार छः दिन के बाद तो एक कोढ़ी मिल गया, कहने लगा मुझ पर रया कर, इतने मशहूरी हो गई यीशु मसीह की, मुझ पर दया कर। उसने कहा क्या करूँ प्रभु मैं शुद्ध हो जाऊं। लिखा यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ और उसका कोढ़ ठीक हो गया, इससे और मशहूरी हो गई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि थोड़े इलाके, जैसे आप लाडो सराय से चले थोड़ी देर में फतेहपुर पहुंच गए, वो छतरपुर पहुंच गए, तो यहाँ की खबर वहाँ भी पहुंच जाती है। छतरपुर से घूमे तो मेहरौली में आ गए, मेहरौली में सारी खबरें आ गई, मेहरौली से निकले तो मालूम पड़ा किशनगढ़ पहुंच गए, वहाँ से निकले तो मालूम पड़ा महिपालपुर पहुंच गए, महिपालपुर से निकले तो फतेहपुर बेरी पहुंच गए। ये इलाके में जो 50-60 किलोमीटर का टुकड़ा है, थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ कस्बे कुछ गांव बसे हुए हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि इनमें आना जाना बिजनेस खेती किसानी रिश्ते नाते चलते रहते हैं, और ये उपजाऊ इलाका है। तो तिबेरियास का इलाका, गन्नेसरत का इलाका, मगडाले का इलाका, कफरनहूम का इलाका, ये कैसे इलाके हैं जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। जैसे गाँव में क्या होता है, एक गांव में जो लोग रहते हैं अपने पड़ोस के, चाहे 5 किलोमीटर दूर गांव है वहाँ के काफ़ी लोगों को जानते हैं, 10 किलोमीटर वालों को काफ़ी जानते हैं, आपस में कुछ ना कुछ इनके तालमेल सलाम दुआ होती है कि हाँ वहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर वो है, उनका ये काम उनका काम। कफरनहूम वो शहर है तट पर बसा हुआ जिसमें सबसे ज़्यादा यीशु मसीह ने विजिट किया है और सबसे ज़्यादा मिरेकल्स किए कफरनहूम में। यीशु मसीह का रूट बनता था, कहीं भी घूम फिर के कफरनहूम, यहाँ गए कफरनहूम, वहाँ गए लौट के आए कफरनहूम, इधर गए लौट के कफरनहूम। अरे भाई कफरनहूम है क्या? कफरनहूम वो शहर है तट पे बसा हुआ जिसमें घूम फिर कर यीशु मसीह लौट के आते रहते। इतना ही नहीं है, बैतसैदा भी एक आगे कस्बा है, कफरनहूम से आगे कस्बा है बैतसैदा।
बैतसैदा के पैदाइशी तो पतरस हैं, फिलिप्पुस है वहाँ के, लेकिन इन्होंने अपना घर मकान जो कफरनहूम में सेट कर रखा है। कफरनहूम में पतरस रहता है, मछली का बिजनेस करता है, फादर मदर यहीं पर रहते हैं, ये भी यहीं पर सेट है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कफरनहूम में रहते हैं। अब कफरनहूम को दिल्ली जैसा इतना बड़ा नहीं है, कफरनहूम एक छोटा सा कस्बा मान लीजिए, टोटल लगा लीजिए मेहरौली जितना बड़ा। मेहरौली को डबल फैला लो एरिया में, थोड़ा सा फैला लो, वो तो बहुत घनी आबादी है, खुली आबादी का कर दो मेहरौली को, अंधेरिया मोड़ से लेके यहाँ लाडो सराय तक, इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, खुला 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 खुला, इतना लंबा इतना चौड़ा, ये टोटल इतना बड़ा है कफरनहूम। अब आप बताइए इतने बड़े कस्बे में लोग एक दूसरे को जानते कि नहीं जानते, वो अच्छे से जानते हैं, और इसके पड़ोस में अगर निकल जाओ छतरपुर तो वहाँ भी जानते हैं। वह छतरपुर छोटा सा गांव है, और यहाँ पर भी हमारी हम जानते हैं वहाँ कौन कौन रहते हैं। तो कफरनहूम, बैतसैदा, ये ऐसे कस्बे हैं जिसमें सब एक दूसरे कहीं ना कहीं जान पहचान सलाम दुआ से जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि यार देखो आराधनालय का सरदार था, और यार कहाँ रहता था? कफरनहूम में। कफरनहूम में जो सबसे बड़ा चर्च और सिनागोग थी, एक ही थी, और उस एक ही चर्च का सबसे बड़ा जो प्रचारक, पास्टर, प्रीस्ट, जो कुछ भी कह लो, यार था। और यार, अब एक बात बताइए, एक कस्बे एक गांव में जहाँ एक पास्टर होता है उसको सब लोग जानते कि नहीं जानते? यहाँ तो शहरी वालों को जानते हैं, एक शहर, अरे वो मेथोडिस्ट के पास्टर वो हैं। अब हमें तो कई चर्च होते हैं ना, लेकिन फिर भी हाँ वो पेंटिकॉस्टल पास्टर है, वो मेथोडिस्ट के हैं, वो कैथोलिक के, वो सीएनआई के, तीन चार चर्च ही हैं। लेकिन वो कस्बे जहाँ पर एक ही चर्च होता है या जहाँ पर मुश्किल से दो चर्च होते हैं वहाँ तो सभी जानते हैं। तो इससे पहले कि यार पर पहुँचे, ज़रा यार से थोड़ा पीछे आ जाए बैकग्राउंड लेते हुए, तो कहानी अच्छी समझ में आएगी। अभी पिछली रात की ही बात है कि यीशु मसीह एक इलाके में जा रहे थे जिस इलाके का नाम है गदरेनियों का इलाका, गिरासेनियों का इलाका। याद रखिए ये नक्शा, यीशु मसीह कफरनहूम के पास यहाँ पर हैं, और आप पढ़ेंगे पिछले चैप्टर में तो लिखा है कि यीशु मसीह ने वो 5,000 को रोटी भी खिला ली, अंधे को ठीक भी कर लिया, और 10-12 चेले भी अपॉइंट कर दिए, और भेज भी दिया, जाओ प्रचार करो, मनादी करो, स्वर्ग का राज आ चुका है, और बीज बोने वाले का दृष्टांत भी बोल दिया, और लौट करके सबके अर्थ भी बता दिए। ये पिता की सेवा में यीशु मसीह लगा हुआ है, और मिनिस्ट्री को शुरू हुए मुश्किल से शायद अभी 6-8 महीने भी नहीं हुए। ये शुरुआत का किस्सा है, यीशु मसीह की सेवकाई में 6-8 महीने हुए, और मशहूरी उसकी हो चुकी है क्योंकि बहुत मिरेकल्स कर चुका है। जब इंस्पिरेशन मिला यीशु मसीह को कि कहीं और भी चला जाए सेवा के लिए, तो इसी का अगर 5वां अध्याय की आप पहली आयत पढ़ेंगे वहीं आपको मिल जाएगा, मरकुस 5 की पहली आयत। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। थोड़ा सा और पीछे आ जाएं, गिरासेनियों के इलाके में पहुंचने से पहले यीशु मसीह आप कहां क्या कर रहे थे? अच्छा एक बात बताइए, नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देख, कोई नीचे मत देख, नकल मत मार रहा। यीशु मसीह नाव में पिछले गद्दी पे सो रहे थे, ठीक है ना, थक गए थे, खूब मीटिंग है, हीलिंग फीलिंग सारी करकरा के आ रहे थे, उन्होंने कहा नाव उठाओ चलो चलते हैं यार, और यीशु मसीह सो गए, और आंधी तूफान उठा और चेले डूबने लगे। ये कितने बजे की बात है? नीचे मत देखना है? और जब भूत आया था वो कब की बात है? जब पानी पे चलता हुआ आया था वो तो आधी रात के बाद का था ही था।
और यीशु मसीह जब गद्दी पे सो रहे थे और झील में तूफान उठा और शैतान ने चाहा इसको भी डुबा दूं, मार डालूं, तब कौन सा समय था? कन्फर्म कर लीजिए, यीशु मसीह ने दिन भर मीटिंग प्रीचिंग करी, इसलिए कभी मिक्स ना हो जाए इसलिए कर रहा हूं बस इतना। दिन भर खूब प्रीचिंग, मीटिंग, हीलिंग सब कुछ कर कराए और जब शाम को सूरज डूबने लगा, सांझ हो गई, तो यीशु मसीह ने कहा एक काम करते हैं, चलो इधर तो हमारी कन्वेंशनें हो गई, कैंपेन चल गई, यहाँ तो बड़े बड़े मिरेकल हो गए, अब मुझे पवित्र आत्मा की ओर से, पिता की ओर से आदेश मिल रहा है कि दूसरे इलाके में जाकर, गिरासेनियों के इलाके में जाकर हम वहाँ भी कन्वेंशन करें, वहाँ भी बेदारी लेकर के आए, क्योंकि इस इलाके में बेदारी हमने अच्छी खासी ला दी है। इसके चौथे अध्याय की जरा 35वीं आयत पढ़िए, वहाँ क्या लिखा हुआ, मरकुस 4 की 35वीं, उसी दिन जब सांझ हुई, इससे पहले बीज बोने वाले का दृष्टांत सब हो चुका है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। शाम हो चुकी है, अंधेरा शुरू हो गया है और पार जाना है, पार कहाँ जाना है, अब इन्हें गिरगेसा के इलाके में, गिरासेनियों के इलाके में जाना है जो कई किलोमीटर दूर है और नाव से जाना है, और जब ये नाव से जा रहे थे तो ये छोटे सो गए, 7-8 बज गए यहाँ, दिन भर मीटिंग प्रीचिंग सब करी है, ठंडी हवा लगे, अभी 3-4 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने, भैया तुम लोग नाव चलाओ और मैं तो सोता हूँ, ये बस सो गए। शैतान ने रात में फिर उधम मचाया, सो रहा है, गुरु को डुबा दो यार, मार डालो इसे, बढ़िया मौका लगा, अंधेरे का समय है, आंधी तूफान उठे, नाव डूबने लगी, पानी भर गया, ये परेशान हो गए और कहते प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, तू सो रहा है। यीशु मसीह ने उठे और खड़े होकर कहा थम, आंधी तूफान सब थम गया। रात की घटना दिन की नहीं है, फोटो आपने देखी हुई, हरा हरा नीला पानी, पतरस डूब रहा है, वो देखा होगा नीला पानी, ये नाव ऐसी वैसी हो रही है, ये भी देखा नीला नीला पानी दिखाई दे रहा, अरे रात के अंधेरे में ना नीला दिखाई देता ना हरा दिखाई देता, वो तो सब काले ही काला होता है, और ऐसे में डगमगा जाए, दिन में तो फिर भी काम कर लेंगे। यीशु मसीह ने यह काम कर दिया जो लिखा हुआ है 41वीं आयत में, और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं, और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। गिरासेनियों का इलाका जो टेरिटरी है बहुत बड़ी है, 5 किलोमीटर की लंबी चौड़ी, तो उसको देश भी कह देते हैं। गिरासेनियों के इलाके में पहुंच गए, क्यों? क्योंकि पिता का आदेश हुआ है, चलो उस इलाके में भी हम लोग बेदारी की रिवाइवल मीटिंग करके आए। ध्यान दीजिएगा, इसराइली सब सन्नाटे में थे, जब यीशु मसीह ने प्रीचिंग चालू करी है, इसराइल में बेदारी आना शुरू हो गई, मसाया आ गया है, गुनाहों की माफी आ गई है, अब चंगाई आ गई है, ये नबी आ गया है, बहुत सारी खलबली मची पड़ी है इसराइल के किस इलाके में, गलील के साउथ वाले इलाके में और नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में, लेकिन ईस्ट साइड अभी ठंडी पड़ी है, अरे चलो हम लोग वहाँ भी जाके बेदारी लेकर के आते हैं। और यीशु मसीह चल दिए बड़े अच्छे उद्देश्य के साथ, जैसे भी गिरासेनियों के इलाके में पहुँचे, वो नाव से उतरे ही थे तो एक ऐसे व्यक्ति से सामना हुआ जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, बहुत ढेर सारे भूतों से भरा हुआ था, और अपने आप को मारता पीटता घायल करता था, उसको रस्सी से बांधा नहीं रुका, चेन से बांधा चेन तोड़ देता था, कमरा बांधो तो दरवाजा उखाड़ देता था, लोग डरते थे, लोग उसे पत्थर मारते थे, उसको मिल जाए वो मारता था लोगों को, और अल्टीमेटली इतना प्रचंड था, एक तो पागल ऊपर से ताकतवर, जब किसी में भूत चढ़ जाता तो उसे बहुत ताकत आ जाती है, बहुत ज़्यादा, मैंने देखे भूत चढ़े हुए, मैंने तो उनको दबा हुए के गर्दन फर्दन दबा के भी देखा है कि उठ तू उठ के देखा, मैं तुझे खटिया पे उठने नहीं दूंगा, 4-4 बंदों से एक सीकड़ी पहलवान नहीं दब धम पा रहा था, हम अपनी बता रहे कॉलेज डेज की बात, ऐसे देखे हैं
बाइबल में लिखा हुआ है वो कब्रों में रहता और जंगलों में मारा मारा फिरता था। हम मेरठ जाते थे मीटिंग लेने के लिए और मेरठ से लौट के आते थे तो रात के 2:30 बज जाते थे। तो मोहन नगर है, मोहन नगर पे भाई विनय लोग रहा करते थे, बल्लू रहते थे। तो बल्लू ने कहा कि भैया किसी दिन चक्कर लगाओ ना हमारे घर। हमने ठीक है क्या हो गया, क्या ले रहे छोटा भाई है ना उसको ज़रा कुछ उल्टा सीधा गड़बड़ हो रहा, कोई दुष्टात्मा का कुछ ऐसा लग रहा है मामला, वो परेशान करता है और काफ़ी समय से कर रहा, अभी से नहीं कई महीनों से राट का रहने वाला, लेकिन अभी हमारे पास आ गया है। हम लोग नौकरी करते हैं, सब अनमेरिड है, 3-4 लड़के इकट्ठे रहते थे। हमने यार कब आए सुबह तुम लोग ड्यूटी निकल जाते हम भी निकल जाते। हमने ठीक है यार मेरठ जाएंगे अब की बार और स्कूटर से मेरठ जाएंगे और रात में मीटिंग करके खा के जल्दी भाग लेंगे 10 बजे 10:30 बजे। तो 10:30-11 के आसपास हम मेरठ से मीटिंग करके खा पी करके शनिवार की रात 12 बजे मोहन नगर पहुँच गए। 12 बजे खटखटाया, जाड़ों का समय था। अरे भैया आइए आइए, प्रेज द लॉर्ड। हमने कहा एक काम करो स्कूटर से आ रहे, सबसे पहले तो चाय चढ़ाओ, जाड़े का मौका भाई, ओरा भोरा ओरा, चाय वाय बनी। हमने हाँ भाई क्या बताओ यार क्या प्रॉब्लम है। बल्लू बोला कि भैया ये छोटा भाई है, मैंने कहा ये इसको ना भूत प्रेत का चक्कर है। मैंने हाँ भाई क्या है, क्या करता तू, कहाँ रहता है। कह रहा मैं वहाँ चला जाता हूँ शमशान घाट, इंडन पे शमशान घाट चला जाता हूँ या मुसलमानों के कब्रिस्तान चला जाता हूँ, तो वहाँ क्या करता है, या कुछ नहीं कब्र पे लेटा रहता हूँ। तो क्या होता तुझे, अच्छा लगता है। और मैंने घर में या रोटी पानी खाना, या भैया घर से गायब हो जाता 10-15 दिन तक मिलता नहीं, ढूंढ के लाओ, पता नहीं कभी कहीं मिले कभी कहीं मिले। तो कब्रों में बड़ा मज़ा आता था उसे। यार बाइबल भी कह रही वो कब्रों में रहा करता था। तो मेरे तो तजुर्बे कई एक ऐसे हैं जो बाइबल से बहुत अच्छे मेल खाते हैं। तो ये भी कब्रों में ही रहा करता था, चला जाएगा दिन भर वहीं रहेगा, अगर नहीं लेके आया तो रात भर वहीं रुक जाएगा कब्रिस्तान में। खैर हमने चलो चाय वाय पी पा ली, अब तेरा काम कर दे, बैठ सामने। अब सामने बैठ, अब तेरे लिए दुआ करूँगा, निकालूंगा तेरा भूत वूत जो तुझे भगाए भगाए फिर रहा। कह रहा एक मिनट जरा बवाऊँ, मैंने कहा कहीं नहीं जाएगा, बस वरांडे, अब वरांडे नहीं जाएगा, बैठा रहे चुपचाप ही सामने उकड़ू बैठ। मैंने क्यों, बार बार ही देखे, क्या देख रहा है। वो आया है ना, मैं कौन, अरे वो ही है। कह रहा बाहर आ जा बाहर आ जा। मैंने कौन है, अरे वही जो मुझे ले जाता है ना भूत। मैंने उसे बुला लिया अंदर, क्या नहीं वो नहीं आएगा, आप बैठे हो ना वो नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, मैंने कहा एक काम कर, मैंने सोचा इसको बरांडे तक भेज ही दूँ, कम से भूत तो चढ़ जाएगा, अभी तो नहीं चढ़ा हुआ है। अच्छा बरांडे तक हो ही गया, खबरदार जो आगे गया बरांडे में जा। वरांडे में गया, उस्ताद जी जो थे उनके भूत वर वर आके आ लिया वापस। मैंने बैठा वो तो यूँ देख रहा, खैर मैंने दुआ करी, ला इधर ला, मैंने तेल ला, जरा तेल लगा के कर दूँ इसके ऊपर। सर पे तेल लगाया, कंधे पकड़े, दुआ करी वही छोटी सी, वो मारी जो छोटी सी आमीन करी, पता नहीं बैठा बैठा वो छत तक छलांग मार गया। आप खड़े होके नहीं मार सकते छत तक छलांग, भाई खड़े होके कहें आप इतनी जंप लगाओ कि आपका सर इस छत से टकरा जाए, कोई लगा के दिखा दे। अब वो उकड़ू बैठा बटक छत तक कूद गया, अब हम सारे देख रहे, अबे नीचे गिरा धम्म से धाम से गिरा, उसके बाद बेहोश सा पड़ा। थोड़ी देर का ठीक हो गया, निकल गया भूत। खैर उसके बाद फिर कभी नहीं आया। तो मैं बता रहा हूँ कि कब्रों में रहने वाले, मारपीट करने वाले, बड़े ताकत से भर के चेन रस्से तोड़ देने वाले मैंने खुद अपने जीवन में देखे हुए हैं। तो इन कहानियों को बड़ा अच्छा समझ में आता है। यीशु मसीह पहुँचे और वो सांकलों से बांधा, बेड़ियों से बांधा, तोड़ देता था,
यीशु मसीह आप क्यों आए हो यहाँ पर? अरे मैं गिरासेनियों के इलाके में, यहाँ के कई शहरों में जो 10-12 शहर गांव कस्बे हैं, मैं उनमें खुदा का पैगाम लेकर बेदारी करने के लिए आया हूँ, और मिल गया भूत। चलो, यीशु मसीह ने आराम से कहा, अरे चलो निकलो उसमें से। अरे प्रभु, समय से पहले क्यों हमें कष्ट देने आ गए? लिखा है वो बोलते हमें पीड़ा ना दे, हमें इसके अंदर रहने दे, इसके अंदर से निकालेगा तो हमें कष्ट होगा, हमें पीड़ा होगी। और ये छोसी ने एक काम और कह दिया था कि सुनो, यहाँ से निकाल कर तुम्हें अथक कुंड में डाल दूंगा। वो कहते हमें पीड़ा ना दे, हम स्वीकार करते हैं प्रभु तू खुदा का पुत्र है, जीवते खुदा का पुत्र तू मसीह है, हम तुझे सलाम ठोंकते हैं, सलूट मारते हैं, हमको कष्ट ना दे, हमको इसमें से मत निकाल। अजीजो, जब एक व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्मा पोजेस कर लेता है, उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके पैर, उसके दिल, यहाँ तक कि उसकी जबान का भी इस्तेमाल करता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि 5-5, 7-7 को एक हाथ से पटक करके मार देता है। आप सोचिए, जब दुष्टात्मा से ग्रसित होकर के एक आदमी इतना पावरफुल हो जाता है, अगर वो पवित्र आत्मा से भर जाए तो कितना पावरफुल होगा भाई? पवित्र आत्मा ज्यादा पावरफुल है या दुष्ट आत्मा? और यीशु मसीह के कब्जे में अगर मैं और आप आ जाएं और उसके आत्मा से भर जाएं, तो हम क्या करेंगे? वो तो टांग तोड़ता है, हम टूटी टांग जोड़ेंगे। वो तो सर फोड़ता है, हम फोड़े वाले को जोड़ देंगे। वो तो हाथ पैर मरोड़ देता है, हम उसको आजाद कर देंगे। वो जितना नुकसान कर सकता है, हम उससे ज्यादा रेस्टोरेशन कर सकते हैं। क्यों? खुदा की ताकत जो है, दुष्ट आत्मा शैतान की ताकत से बहुत महान है। तो यीशु मसीह ने कहा इसमें से निकल और जा। उन्होंने कहा प्रभु मत निकालो। भाई ब्रैनम कहते हैं यीशु मसीह ने बड़े प्यार से कहा था दुष्ट आत्माओं से, आराम से। प्यार का मतलब है बड़ा, कोई चीख चिल्ला के नहीं, शोर शराबा नहीं, कि इन दुष्ट आत्माओं इसमें से निकलो और बाहर चलो। तो यीशु मसीह ने पूछा, हाँ भी जरा बता तू कौन है? तो उसने कहा हम तो सेना हैं, हम एक भूत नहीं है, 2 भूत नहीं 10 भूत नहीं है, हम फौज हैं। कितनी? लिगियोन लिखा हुआ, लिगियोन का मतलब 6,000 भूत हैं। 6,000, किसी पे एक चढ़ जाता तो उसका हाल क्या होता है? जस्ट इमेजिन, आपने एक एक भूत चढ़े हुए लोग देखे, उन्होंने कितना उधम काट रखा। जिसके अंदर 4 आ जाए 10 आ जाए तो क्या करेगा वो, और जिसके अंदर 6,000 वो इसलिए कह रहा हम ले पूरी पूरी लेगियन है, हम पूरी फौज है। 6,000 एक आदमी के अंदर घुस गए तो उसका तो जने क्या सुपर का सुपरमैन जने क्या बना दिया दुष्ट आत्मा वाला। उन्होंने कहा प्रभु एक निवेदन है भेज, निकालना तो, अब निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो हमें आज्ञा दे तो हम सुअरों में चले जाओ, पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है जाओ। 2,000 सुअर थे, एक सुअर में 3-3 दुष्ट आत्माएं गई, 6,000 निकली थी, 2,000 में गई तो पर हेड कितनी पड़ी? 3-3। एक सुअर पे जहाँ 3 दुष्ट आत्माएं चढ़ी तो उसकी खोपड़ी भन्ना ही होगी, तो सोचो फिर कैसा खड़खड़ा के दौड़ा होगा। लिखा है वो पहाड़ी के ऊपर थे और कड़ाड़े पर से छलांग मारी पानी में और डूब मरे। वैसे बहुत सारे जानवर तो तैर तार के निकल आते हैं, जब आपके हार्ट अटैक हो रहा तो कितने बड़े तैराक डूब के मर जाओगे, जब आपका बीपी हाई हो जाए, आपका सर चकराने लगे, घुमेरी आने लगे, उस समय पानी में अगर आप गिर जाएं, आप ना तैर पाओगे ना कुछ कर पाओगे, आप मर जाओगे। और सुअर वैसे ही 2,000 सुअर मर गए। अब जब ये खबर पहुंची उस इलाके के गांव में, शहर में, आज गजब हो गया कि क्या हुआ भैया, 2,000 सुअर फलाने फलाने के मर गए। कैसे मर गए? वो तो सबसे बड़ा बिजनेसमैन है हमारे यहाँ का, जिसके 2,000 सुअर है तो बहुत बड़ा भाई, अरबपति है,
उसका सारा बिजनेस चौपट हो गया। ऐसे हो गया, एक यीशु नाम का ये आदमी है ना, अपन ने सुना समुद्र के उस पार रहता है, उस पार रहता है ना, वो हमारे इलाके में आया है। और उसने जो पागल था जिसके अंदर 6,000 दुष्ट आत्माएं थी, उसको ठीक किया, उसमें से भूत निकले और सुअरों में घुस गए। और वो जिसमें से भूत निकले थे ना भैया, वो तो कपड़ा वपड़े पहन के बड़ा सीधा सच्चा सा बैठा हुआ है। देखिए, जिसके अंदर भूत थे दुष्ट आत्माएं, उसको नंगा रखती थी, लिखा वो अपने आप बदन को मारता और कूटता और नंगा रहता था। जब दुष्ट आत्माएं आती हैं तो इंसान नंगा होने लगता है, और जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो अपने शरीर को ढांकने लगता है। आजकल कौन सा फैशन चल रहा है और कौन से आत्मा के चलाए फैशन चल रहे हैं, जिसमें बिल्कुल जिस्म का प्रदर्शन हो रहा है, कपड़े महंगे और छोटे होते चले जा रहे हैं, पूरी प्रदर्शनी होती है। क्यों? दे आर पोजेस विद द ईविल स्पिरिट। एडवांस सोसाइटी, हाई फाई सोसाइटी, मोस्ट पहले बड़ी फैशनेबल सोसाइटी, जितना नंगापन वहां पर होता चला जा रहा, और जरा सा कपड़ा महंगा बहुत होता है, याद लगा चिथड़े से लपेट रखे हैं, टिकली ऐसी लगा रखी हैं। तो दुष्ट आत्मा से पोजेस लोग आज दुनिया में ऐसे हैं कि वो नंगेपन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो उस पागल ने क्या किया? कपड़े पहन ली। जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो कपड़े पहन लेते हैं। एंड टाइम मैसेज खाम का ऐसे ही नहीं कहता कि अपने ब्लाउज के कट और गले और लंबाई और स्लैक्स और ये ना पहनो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। क्यों? लोग सोचते हैं इनको बड़ी नफरत है, ये चाहते नहीं हम स्मार्ट दिखाई दें, हम डायनामिक दिखाई दें। अजी नहीं, आपके पास दुष्ट आत्मा सवार, इसलिए आप नंगेपन में रहती हो। आप नंगापन दिखा रहे हैं अपने कपड़ों के द्वारा, ट्रांसपेरेंसी में दिखा रहे हैं, छोटे कट में दिखा रहे हैं, कटे पटे डिजाइन में दिखा रहे हैं। क्यों? आपके ऊपर दुष्ट आत्मा सवार है और हम चाहते हैं वो निकल जाए। बाइबल भी यही सिखा रही है, जब दुष्ट आत्मा आता है इंसान नंगा हो जाता है, और जब पवित्र आत्मा आता है तो कपड़े पहन लेता है। कपड़े पहने देखा, सचेत बैठे देखा, अब यीशु ने कहा चलो चलते हैं, अब शहर में चलते हैं। अब ये तो बाहर की बात है ना, अभी तो समुंदर उतरे हैं, नाव से उतरे हैं, ये बेचारा पहले ही मिल गया पहाड़ी पे, अब चलते कस्बे में। जब यीशु मसीह शहर में गए तो शहर के सारे लोग जमा होके आ गए, सारी सोसाइटी, कमेटी, एसोसिएशन, ये सब लोग आ गए। और क्या कहते हैं? भाई साहब, महाराज, आप यहाँ से चले जाइए वापस, आपका है कोई भी काम नहीं है, हम बिल्कुल नहीं पसंद करते आप यहाँ पर आए ऐसे काम करें। आप लोगों ने इस रूप में देखा होगा ना, थोड़ा और देख लीजिए। आज वो जो गिरा सेनियों का इलाका था, थे तो सब यहूदी लोग थे, इसराइली, यहोवा के मानने वाले, व्यवस्था पे चलने वाले, वहाँ भी तो सिनागोग थी, वहाँ भी तो आराधनालय था, वहाँ भी तो याजक थे, वहाँ भी तो कमेटी वाले थे, वहाँ भी तो शास्त्री थे, वहाँ भी तो फरीसी थे, आज की भाषा में कहें वहाँ पादरी भी थे, डीएस भी थे, बिशप भी थे। और इन सारी संस्थाओं ने, क्या यरूशलेम में संस्था नहीं थी जिसका याजक महाजक इलेक्शन फिलेक्शन हुआ करते थे? था कहीं नहीं था। तो ये पॉलिटिकल रूप से रिलीजियस पार्टीज चल रही थी, जिस प्रकार से यरूशलेम में थी, इधर कफरनहूम में थी, गन्नेसरत में थी, बैतसैदा में थी, सब जगह थी, इसी प्रकार से गिरासेनियों में भी थी। और जो धर्म के ठेकेदार थे वो आए, कहने लगे भाई ऐसी बेदारी हमें नहीं चाहिए जिसमें 2000 सुअर पर केस में जाए, हमें तो नुकसान है भाई, आप बेदारी लेकर के आए हैं, हमारे सुअर मर गए, हमें सुअर ज्यादा प्रिय हैं, हमें बेदारी नहीं चाहिए। अजी तो आज भी ऐसा ही होता है, हमें बेदारी नहीं चाहिए, हमें अपनी शराब की बोतल चाहिए, हमें सिगरेट की डिब्बी चाहिए, हमें नंगापन चाहिए, हमें फैशनबाजी चाहिए, हमें रिश्तेदारी चाहिए, हमें दुनिया का नाच गाना चाहिए, हमें आपकी बेदारी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा खर्चा होता है, नुकसान होता है। अजीब सी बात है,
यीशु मसीह रिवाइवल लेकर के आ रहे थे, लोगों को गुनाहों की माफ़ी मिले, बीमारी से छुटकारे मिले, लेकिन पास्टर एसोसिएशन वाले क्या कह रहे हैं, यहाँ आपकी एक नहीं चलेगी जीसस, तुम झील के उस पार चले जाओ जहाँ से आए हो, खबरदार जो यहाँ पर तुमने मीटिंग कन्वेंशन करी, ना हम तुम्हें मैदान देंगे, ना हम तुम्हें हॉल देंगे, ना आराधनालय देंगे, और ना हम गैदरिंग होने देंगे, यहाँ हमारी चलती है। हमें पास्टर एसोसिएशन वाले, हमें रजिस्टर्ड चर्च, हमें डिनोमिनेशन, हम सब ऑर्गेनाइजेशन और हम सबकी कमेटी का फैसला है, आप यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते। बोलो क्या करें, मैं आया तो था तुम्हें आनंद जीवन देने के लिए, जब तुम इसे स्वीकार ही नहीं करते तो मैं क्या करता हूं, मैं नाव पकड़ के जिस पे आया था ना उसी नाव से फिर वापस अपने कफरनहूम जाऊंगा। एक रात लगी थी आने में, एक रात फिर लगेगी। यीशु मसीह को समझो खदेड़ दिया गया, यीशु मसीह को भगा दिया गया, यीशु मसीह को कदम रखने नहीं दिया गन्नेसरत के इलाके में, गिरासेनियों के इलाके में, कि यहाँ भी कुछ भला हो जाए। क्या विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं होता है, कि आज नहीं होता है जब आप संदेश को लेकर के जाते हैं? एक बता रहे थे मार्शल भाई ना, 80 साल के बुढ़े क्या कह रहे हैं, ये बातें करने की जरूरत नहीं है। वाय पिछले हफ्ते कहे यीशु मसीह की बातें ना करो, अब तो क्रिश्चियन आदमी के ये बपतिस्मे से बात मत करो, वे संदेश फंदेश की बात मत करो, घर में आओ बैठो खाओ पियो सुनो, लेकिन ये बाइबल आइबिल की कोई बात मत कर लेना। 80 साल का बुजुर्ग आदमी बाग बबूला हो रहा कि बाइबल की बात कैसे कर दी मेरे घर में। ये यही नहीं है, सारे दुनिया का पागलपन यही साब हो रहा, संस्थाओं से जुड़े होने के नाते से मसीह से इतने दूर जा चुके हैं कि यीशु मसीह के कलाम की सच्चाई सुनना पसंद नहीं करते। यीशु मसीह की सुनना क्या पसंद करेंगे, गिरासेनी की कमेटी ने यीशु मसीह को उल्टे पैर भगा दिया। पागल तो ठीक हो गया, यीशु मसीह से उसने कहा कि प्रभु तू जा रहा है, मुझे भी अपने साथ ले चल, मैं भी चलूं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, तू एक काम कर, जा अपने घर जा और अपने इलाके में लोगों को बता कि खुदा ने तेरे साथ क्या किया है, कैसे 6,000 भूतों को निकाल कर तुझे आज़ाद किया है, जा इसकी गवाही दे। अब वो कोई प्रीचर तो था नहीं, गवाही ही था उसके पास, पागल आदमी वैसे ही था, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई स्टडी नहीं, कोई सेशन नहीं, कुछ नहीं, पागल। लेकिन बाइबल बताती है उस गन्नेसरत का जो गिरासेनियों का जो इलाका था उसके आगे बहुत बड़ा इलाका था, स्टेट लगती थी जिसको दिकापुलिस कहते थे, जो कम से कम 3-4 जिलों के बराबर की जगह थी। लिखा है बाइबल में कि वो दिकापुलिस में जाके प्रचार करने लगा और जो खुदा ने उसके साथ कर्म किए थे उसका बयान करने लगा। अरे तुम यीशु मसीह को आने नहीं दोगे, लेकिन यीशु मसीह का एक कन्वर्टेड पागल ठीक होकर के तुम्हारा इलाके वहाँ मनादी करेगा, वो वहाँ पे सेंध लगाया, वो वहाँ पे काम करेगा, वो प्रचार करने लगा। लेकिन यीशु मसीह जो थे, वापस पकड़ो नाव और 12 चेले चलो साथ में। अब चेले कभी शक करते थे, कभी नाराज होते थे, कभी खुश होते थे, कभी सेवा कुछ कुछ करते रहते थे। बता 5,000 को अभी 3 दिन पहले रोटियां खिलाई थी, 3-4 दिन पहले 5,000 को रोटियां खिलाई थी, खिलाने खाने के बावजूद भी लिखा चेलों के मन कठोर हो गए थे, ऐसे बिलीवर थे। 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाना और इन्होंने ही बांटी थी, इन्होंने ही टोकरे उठाए थे, इन्होंने ही मिरेकल देखा था, और फिर इनके मन कठोर हो गए। इसमें डांट लगी तुम्हारे, कल तो ठिकाने है, सही है, बेवकूफ़ी बातें कर रहे हैं, क्या देखा था तुमने परसों, खुदा का काम नहीं देखा था? हाँ था तो सही, खबरदार आंदाज ढंग से रहना। चल दिए गुरु के साथ, गुरु जी ने क्या ठीक करा पागल को, सारे शहर में हुल्लड़ मच गया,
और सारे कमेटी वाले सारे आ गए और कहते जीसस यहाँ से लौट जाओ, घुसने नहीं देंगे अपने इलाके में, और यीशु मसीह को भगा दिया, वो वापस नाव पर बैठकर वापस आ गए। अब जो हमने पढ़ा था वहाँ पे आ रही थी बैकग्राउंड, एक दिन पुरानी केवल, समझ रहे ना, यायर से सिर्फ एक दिन पुरानी कहानी ये थी, सिर्फ एक दिन। पिछले दिन, पिछले पिछली रात नाव से गए थे, तूफान आया था, सवेरे पहुंच गए थे गिरासेनियों के इलाके में, पागल को ठीक किया, दिन भर भी नहीं रह सके, दोपहर में वापस भगा दिया और शाम को फिर वापस लौट करके, चलो भैया यार रुके भी होंगे तो चलो सवेरे सवेरे निकल लेते, अब यहाँ तो काम खत्म हो गया। यहाँ एक और दास्तान चल रही है। अब आप देखिए, कफरनहूम शहर में सब एक दूसरे को जानते हैं, मोस्टली बराबर उनके बैतसैदा वहां भी एक दूसरे को जानते हैं, गन्नेसरत थोड़ा सा पहले वहां भी एक दूसरे को जानते हैं। अब कफरनहूम में एक बहुत बड़ा चर्च है, यहूदियों का आराधनालय, बहुत बड़ा, सारे यहूदी सबत के दिन वहीं आते हैं और प्रतिदिन भी जो कुछ भी दुआ बंदगी मीटिंग होती है वहां वहीं पर आते हैं, क्योंकि एक ही चर्च है। और उस चर्च के पाई साहब कौन है? मिस्टर यायर हैं। कफरनहूम एक अच्छा खासा शहर है और उस आराधनालय के सरदार का नाम है यायर। आज की भाषा में इतने बड़े चर्च का हो सकता है वो पीएचडी एलएलडी करके आए होंगे, तो डॉक्टर यायर भी हो सकते हैं भाई, है ना, पीएचडी करे हुए हैं बाइबल की, मूसा की सेमिनारी सब करे बैठे ना, तो डॉक्टर यायर हैं। अब जब हर सबत के दिनों मीटिंग लेते हैं, प्रीचिंग करते हैं, तो शहर का कौन सा बंदा ऐसा है जो महीने में एक बार ना आता हो? जो भी आता दर्शन हो जाते, मालूम पड़ा ये है आराधनालय के सरदार जी डॉक्टर यायर। बहुत बढ़िया, ज्ञानी वानी है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, मुश्किल से अभी 35-40 साल के आसपास ही है, बस 35-40 के बीच में, ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और इनको इतनी बढ़िया सिनागोग मिली है कि वहाँ के हिसाब महायाजक है, समझ लो आराधनालय के सरदार हैं। और मैं सोचता हूँ, क्योंकि कफरनहूम में शिमोन भी रहता है जिसे पतरस कहते हैं, योना का पुत्र, और कफरनहूम में योहन्ना का भी आसपास आना जाना रहा है, और चूंकि ये सब बड़े आराधनालय के सरदार हैं, अगर पता पड़ेगी पड़ोस के कस्बे में ज़िले में एक बड़ी मीटिंग हो रही है, चलो हम भी देख कर आएंगे, कोई बड़ा नबी आया हुआ है, चलो हम भी उसका प्रवचन सुन के आएंगे, तो ये लोग आपस में आते जाते रहते थे। हो सकता है योहन्ना के बारे में सारे इसराइल में जिक्र भंगामा है, योहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। यार भी पहुंच गए कि यार चलो हम भी चल के देख करके आए, कौन सा योहन्दी बैप्टिस्ट है यर्दन में शालेम के निकट बपतिस्मा देता है नोन में, हम भी चलते हैं, देखा हो बड़ी भीड़ लगी हुई है और एक आदमी है बड़ा रफ एंड टफ सा, और कह रहा मैं तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, और मेरे पीछे एक आने वाला है उस पर विश्वास करना, वही खलिहान साफ करेगा, वही गुनाह को माफ करेगा, क्योंकि वो मुझसे पहले था और वही मसाया है। ये वाले लेक्चर को पतरस भी सुन रहा है, अंद्रयास भी सुन रहा है, पतरस का बाप भी सुन रहा है, और दुनिया जहान के लोग सुन रहे हैं, और उन्हीं में यार भी सुन रहा है, और जने कितने लेवी याजक महाजक वो भी सुन रहे हैं, और सबको पता पड़ेगा। इसने कहा यार क्या कह रहा है योहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ही इज ए प्रॉफिट एंड दैट प्रॉफिट इज सेइंग देयर इज कमिंग वन आफ्टर मी हु इज मसाया, यू डोंट नो हिम बट ही इज मसाया, वो मसाया है, वो गुनाहों का माफ करने वाला है। मसाया का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं, मसाया का इंतजार तो सारा इसराइल कर रहा है, लेकिन ये किसके बारे में कह रहा? ये कह रहा जीसस है वो जिसको बपतिस्मा दिया था, यीशु है वो जो कि मसाया है।
भाई ये तो हमें स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे म्योरा जब किसी के पास जाते कहते देखो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ही असली है, भाई आप कह तो रहे हैं लेकिन हमें यकीन नहीं है। अरे देखो मत्ती में योहन्ना में यहाँ 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 यहाँ, ठीक है भैया ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है आप बता रहे हैं, हम भी तो कंसल्ट कर लें, हम भी तो वचन में देखें, आप जो बता रहे यीशु नाम का बपतिस्मा है भी कि नहीं, कि आप बहकाने वाले हो हमें भ्रष्ट कर दोगे। तो हर कोई कंसल्ट करता है समाज में, ना करे कॉमन आदमी, लेकिन जो प्रीचर है वो तो करेगा ही करेगा। अरे हम, अरे भाई हम आराधनालय के सरदार हैं, हम चीफ हैं पूरे कफरनहूम के, सबकी निगाहें हम पर रहती हैं, हम लेक्चर देते हैं सरमन देते हैं, और हमने एक नई बात सुनी है कि मसीह है। अरे चेक तो करें मसीह कौन है, मसीह कहाँ से आएगा, कहाँ का होगा, कैसा होगा। अब भाई साहब और लालटेन लिए मोमबत्ती लिए रात में बैठ करके यार जो है स्टडी कर रहे हैं भजन संहिता यशाया व्यवस्था विवरण मी का फलाना ढेमा का, हाँ यार आना तो चाहिए, हो भी सकता है ये और हो सकता ना भी हो। लेकिन हमने सुना है कि कन्यासरत में एक मीटिंग हुई थी और वहाँ पर कोढ़ी को ठीक किया था, उसको ठीक किया था और ये कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये स्वर्ग का राज इससे पहले हमने तो प्रचार किया नहीं, ना किसी और ने किया, ये कैसे कह रहे स्वर्ग का निकट आ गया। और ये भी लोग कह रहे हैं कि ये गलील का भविष्यवक्ता है, गलील का भविष्यवक्ता है दस्यदल और बोलता, हाँ बोलता तो है गलील का भविष्यवक्ता, गलील से कौन आ सकता है, बाइबल में तो लिखा है कि वो दाऊद के वंश और बैतलहम से आएगा। लेकिन किसी ने ये भी कहा है कि भैया ये पैदा तो बैतलहम में ही हुआ था लेकिन बसावत रही इसकी नासरत में, कुछ कन्फ्यूजन सा भी हो रहा है। तो यार जो है यीशु मसीह के बारे में स्टडी करता है, अच्छी स्टडी करता है, और करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया कि यार मुझे लग रहा यही मसीह है, यही खुदा का बेटा है। और मैं बताऊँ यार को पक्का हो गया इन कर्मों को देखने के बाद, उसके लेक्चर सुनने के बाद, उसने खुद ही अपना भेष बदल के टोपी उतार के चोगा उतार के कॉमन मैन मर कर यीशु मसीह की इधर उधर अटेंड कर ली दूर दूर से, और उसे पक्का पता पड़ गया कि यही मसीह है, यही खुदा का बेटा है। अब आप देखिए यार एक बिलीवर है लेकिन सीक्रेट बिलीवर है, वो सामने खुल के नहीं आता है, वो ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ है जो गलत लोग हैं। क्या आज ऐसे लोग नहीं है तमाम संस्थाओं में, पेंटिकॉस्टल ले लो, मेथोडिस्ट, यूएनआई, कैथलिक, फलाना ढिमाका, क्या वहाँ अच्छे अच्छे लोग नहीं हैं, क्या खुदा पे विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन इतना दम नहीं है कि खुल के कह दे कि यीशु मसीह मैं आ रहा हूँ। जानते हैं आप लोगों से सुना है, जानते हैं बपतिस्मा डूब का ही सही होता है, लेकिन लोगों के डर के मारे समाज क्या कहेगा क्या करेगा मुंह से बोल नहीं पाते हैं, लेना दूर की बात है लेकिन बात तो वही सही है। यार एक बात बताएं, हमने बहुत मीटिंग है पादरियों से मिले जुले हैं, लेकिन ये जो एंड टाइम वाले बोले ना सच्चाई यही है तो मानो ना, अब सारे घर में बवाल हो जाएगा, घर में दो फाड़ हो जाएगा, सारे घर से हमें निकाल देंगे, हमारा रोटी पानी मुश्किल हो जाएगी, बवाल हो जाएगा। इस डर के मारे समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, साथी क्या कहेंगे, कुलीग क्या कहेंगे, इस डर के मारे विश्वास करने के बावजूद भी खुल के उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यार आप कौन हो भाई, अंदर से तो मैं बिलीवर हूँ, यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, खुदा का बेटा है, और विश्वास करता हूँ नबी ही नहीं यही सच्चा मसीह है। तो फिर सामने आ जाओ, फिर ये नौकरी, फिर ये बंगला बाड़ी घोड़ा गाड़ी, बड़ी बढ़िया तनख्वाह पर्स, चार चार दस दस नौकर चाकर, और जब जगह तो पैसा जय मसीह की, पैसा जय मसीह की, पैसा जय ऐसा जैसे आइए आइए आइए, इसका क्या होगा, ये सब छिन जाएगा। तो अजीजों यार डरपोक जरूर है लेकिन अंदर से मानता है यीशु मसीह सच्चा खुदा है।
बहुत सारे लोग इस प्रकार के आज भी पाए जाते हैं। और हुआ ये कि इसके एक दिन बैठे थे घर में बैठे थे और बैठे बैठे मालूम पड़ा उसकी जो एक छोटी सी लड़की थी और हंसी कूदती कूदती आ गई, पापा 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 पापा। हाँ बोला बेटा क्या? अब मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा नाम बुखार हो रहा, पसीना निकल रहा। आना बेटा देखा सर पे यात्रा का? अरे हाँ 12 साल की लड़की है, बुखार हो रहा है। कब से हुआ? अब पता नहीं दोपहर में हुआ होगा, दोपहर से ही लग रहा मेरे को तो। अच्छा अच्छा उन्होंने ब्रह्म में आवाज़ दी, हनी आ गई। अरे देखो इसको तो बुखार हो रहा है, एक काम करो इसे ले, बेटा एक काम करो पलंग पे लेट जाओ, चलना फिरना मत, पानी वानी पिलाओ, शिकंजी पिलाओ और जड़ी बूटी एकदम वो दे दवा दो, ठीक है ना? देखते हैं, मालूम पड़ा तो और तेज हो गया 2 घंटे बाद। ये बिजी आदमी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, अल्टीमेटली जब काफ़ी तेज बुखार हो गया तो उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अब ये सीक्रेट बिलीवर जो हैं जाते हैं एक डॉक्टर को बुला के ले आए, डॉक्टर साहब वैद्य जी हाँ मेरी लड़की, अरे यार साहब आप आए, अरे खबर दे मैं खुद ही आ जाता भाई, ये वहाँ के शहर के सबसे बड़े भाई साहब हैं। और मालूम पड़ा वो आ गया, हाँ क्या हो गया? आओ देखो डॉक्टर साहब ये लड़की को बुखार, ठीक है कोई बात नहीं, देता हूँ दवा देता हूँ, जरा घोल के पिला देना, लाइक करना ये करना, हो जाएगा एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन हो गए, हालत लड़की की खराब होती जा रही है, खराब होती चली जा रही। तो लोगों को पता पड़ा इनके मुलाकातें हो, अरे भाई भाई साहब की जो लड़की है ना उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, क्यों? अब की बार जो सबत के दिन आए थे प्रचार वचार किया था, भी जल्दी चले गए थे, ज़्यादा हाथ वाथ नहीं मिलाए थे क्योंकि इनकी बेटी की तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा सारे चर्च को पता लग गया। अब कोई कोई रहा जय मसीह सर जी, शालोम शालोम शालोम, सुना आपकी बेटी की तबीयत खराब है, हाँ उसे 3 दिन हो गए बुखार है, अब ऐसे इलाज चल रहा है, डॉक्टर किसको दिखाया, इसको दिखाया उसको दिखाया, सब चल रहा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन हालत खराब होती जा रही है। अल्टीमेटली कमेटी वालों को पता पड़ा, अरे भाई भाई साहब के घर चलो यार, तो डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसबिटर थे वो भी आ गए, DS भी आ गए और बिशप भी रहते थे वो भी आ गए, भाई हमने सुना है कि आपकी बच्ची की दवा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, चलो हम सब लोग दुआ करेंगे, ठीक करेगा यहोवा, सही करेगा, आप हिम्मत रखिए, सब बढ़िया हो जाएगा, बता सब ठीक करेगा। तसल्ली दे रहे हैं और मालूम पड़ा अब बड़े आदमी हैं, आराधनालय के सरदार हैं, तो बड़ा घेर है, कोठी है, आंगन है, कुर्सी है, दलान है, मोढ़े पड़े हुए सब बैठे हैं, 20-30-40 लोग और सब इस बार की मन ही मन दुआ कर रहे हैं, खुदावन भाई साहब की लड़की को ठीक कर दे, भाई साहब की लड़की बड़े अच्छे इंसान हैं, सज्जन आदमी हैं, इनकी प्रभु लड़की को आप ठीक कर दिए, लड़की ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर ने 3-4 दिन इलाज किया और लड़की तपने लगी और स्थिति ये आ गई, डॉक्टर खुद हिल गया डॉक्टर, और क्या कहता है कि यार साहब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ ज़रूर 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 बोलो। आपकी लड़की बहुत तबीयत ख़राब है, चाहो तो किसी और डॉक्टर को भी दिखा लो, ये बचेगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ये 4-6 घंटे का ही समय है, आज का दिन लगा लो, ये लड़की ख़त्म हो जाएगी। हैं क्या कह रहे हो? तो आप तो बढ़िया डॉक्टर हो, मशहूर डॉक्टर हो, देखो जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था बेहतर से बेहतर मैंने कर दिया, अब मैं क्या कहूँ। अबे परेशान है, लोगों ने पूछा क्या बात है यार साहब, क्या बात है भाई, लड़की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है और डॉक्टर ने कह दिया कि अभी बचेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी, 4-6-8 घंटे लगा लो बस, इतना ही है इसके पास, मैं क्या करूं? और कोई दूसरा डॉक्टर है ही नहीं। एक ने बोला अरे वो डॉक्टर लूका था है? डॉक्टर लूका को दिखा दो। क्या डॉक्टर लूका है ही नहीं? क्या कहाँ गए? अरे डॉक्टर लूका कोई पागल हुआ है, यीशु नासरी उसके चक्कर में आ गया है, डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक बंद कर दी, वो लूका ने तो क्लिनिक बंद कर दिया, कोई यीशु नासरी के पीछे कभी यहाँ जा कभी वहाँ मारा मारा फिर रहा, उसकी तो भद पिट रही है, उसकी तो सारी जिंदगी तबाह हो गई है।
यार कहाँ जाए, किससे इलाज करवाएं, क्या करें। अजी तो एक स्थिति देखिए आप यायर की, वो यीशु मसीह से प्यार करता है, यीशु मसीह को खुदा का बेटा भी मानता है, लेकिन साथ में संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। बाइबल कहती है आसमान जुए में मत जुतो, ये आसमान जुए में जुता हुआ है, ये निकोदिमस की तरह है। निकोदिमस भी खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करता है, मानता है, जानता है, लेकिन संस्था के कारण, लोगों के डर के कारण निष्कासन हो जाएगा, इस कारण से खुल के सामने नहीं आता, पीठ पीछे रहता, यहाँ तक कि यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए रात में आता है। ऐसे बहुत सारे लोग पहले भी थे और आज भी हैं। लड़की की तबीयत खराब हो रही, बुखार चढ़ रहा है, तेज हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब क्या किया जाए, परेशान होता है। उसने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया था इस बारे में, फिर उसने इशारा किया अपनी वाइफ, कह रहा हनी इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ खास बात करना, चलो अंदर कमरे में। अंदर कमरे में गए, बाहर लोग बाग बैठे हैं, पाई साहब, बिशप साहब, डीएस साहब, सारे लोग, और चर्च के एल्डर फेल्डर सारे बैठे हुए हैं। अंदर गया, कहला कि देखो मैं तुमसे बात करना चाहिए, डॉक्टर अभी आए थे। हाँ हाँ डॉक्टर साहब आए थे, तो हाल ठीक ही नहीं लड़की की, ठीक, लेकिन अब तो ठीक हो जाएगी ना, उन्होंने दवा दिए, चेंज करी कुछ, अब तो ठीक हो जाएगी ना बच्ची हमारी। नहीं, क्या बेटी हमारी ठीक नहीं होगी। हाँ डॉक्टर ने कहा है कि ये तुम्हारी बच्ची जो है ख़त्म हो जाएगी। ओ नो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हैं आप। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब हमारा इलाज ख़त्म हो चुका है और लड़की आपकी बचेगी नहीं। फिर हम क्या करें। तुम्हें मैडम याद है मैं रात में मोमबत्ती में बैठ बैठ के रात रात पढ़ाई करता रहता था। हाँ तुम्हें याद है मैं 4 दिन के लिए घर से चला गया था स्वामी की सेवा में। क्या हाँ तुम्हें याद है कभी कभी मैं 15-20 दिन में एक दिन के लिए कहीं कहीं चला जाता हूँ। हाँ और बाइबल में किताबों में चिपटा रहता हूँ रात दिन रात दिन। के हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह की मीटिंग अटेंड करने गया था, मैं भेष बदल के गया था, मैंने एक एक दिन के उसके काम मिरेकल देखे हैं और रात रात मैंने वेरीफाई किया है, सारे शास्त्रों को मैंने उलट पुलट के धर दिया है, चारों तरफ अध्ययन करने के बाद मैं इस निचोड़ पर पहुंचा हूं कि यही खुदा का बेटा है। उसकी वाइफ बोलती है मुझे जान के ताज्जुब नहीं हुआ है, मुझे जान के ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि मैं भी विश्वास करती हूँ यीशु मसीह खुदा का बेटा है और यीशु मसीह मसीह ने। मैडम तुम्हें कैसे पता पड़ा, आप जो रात रात भर स्टडी करके जो पर्चियाँ बनाते थे ना और सरमन तैयार करते थे और रफ कॉपी काट के कूड़ेदान में फेंक देते थे ना, वो जब बाल्टी में उठाती थी उसमें जो पर्चियाँ निकलती थी उन पर्चियों को मैं पढ़ती थी कूड़ेदान में फेंकने के लिए नहीं, आपके जो नोट्स होते थे ना जो आप सरमन तैयार करते थे वो नोट्स मैं पढ़ती थी और उनको पढ़ पढ़ के मुझे पता हो गया कि आपको कन्फर्म है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और यीशु मसीह उद्धार करता है और यीशु मसीह वास्तव में मसाया है, तो मैं तो खुद इस बात से कन्विंस हूँ। बहुत तसल्ली मिली। चलो एक बात, दूसरी बात यह है जब तक हम इसका अंगीकार नहीं करेंगे कि यीशु मसीह उद्धार करता है मेरा, तब तक मेरा कोई कल्याण नहीं होगा, ये मैंने स्टडी कर रखा है। तो क्या करें, ये जो बिशप पादरी बैठे हुए ना कमेटी के घर में अपने शोक प्रकट करने आए, जिनसे दाल रोटी हमारी चला करती है, नौकरी के हम मुलाजिम हैं, इनको बताना पड़ेगा और यीशु के पास जाना पड़ेगा। मैं जाना चाहता हूँ ना, ठीक है साहब, जरूर 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 बिल्कुल जरूर। यार निकल के आते हैं कमरे से, सारी कमेटी लोग बैठे हैं और यार साहब फिर क्या खबर है, कोई अच्छी खबर बताइए, कोई नया वैद्य कोई है। और थोड़ा खांसता खकारता हकलाता हुआ थोड़ा बोलता
ऋषभ साहब, बात कुछ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हो सकता है लोगों को अजीब सी लगे और हो सकता है आपको अच्छी भी ना लगे, ऐसा क्या हो गया? देखिए, ऐसा मेरी बेटी तो मरने पर है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी एक रास्ता है बाकी। अच्छा, कोई और अच्छा बड़ा डॉक्टर सर्जन मिल गया? नहीं, सर्जन नहीं मिला। कोई और हॉस्पिटल वगैरह हो गया? कोई जड़ी बूटी अच्छी मिल गई? नहीं। फिर क्या रास्ता बाकी और है? बेस्ट डॉक्टर देख चुका है, सब कुछ हो चुका है, डिक्लेयर कर गया मरने पर, अब क्या रास्ता बचा है? बिशप साहब, एक रास्ता बचा है जो मेरी बेटी को बचा सकता है। अच्छा, वो कौन सा है? वो प्रभु यीशु मसीह है। क्या यार, क्या कह रहे हो? कुछ ख्याल है या बुखार तुम्हारे सर पे चढ़ गया है? बिशप साहब और कमेटी वालों, सुन लो, मैं मन से विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता है और आने वाला मसाया यही है। यार जरा संभल के बोलना, सारी कमेटी के लोग बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, चश्मदीद गवाह हैं। जो तुम कह रहे हो, अगर वहां उससे मिलते भी हो ना, तो मैं मालूम है हमने फरमान क्या जारी किया है, जो कोई यीशु नासी के साथ मिलेगा उसका नाम अराधनाल से काट दिया जाएगा। तो मालूम है, एक फितूर उठा हुआ था कुछ दिन पहले, एक अंधा कहने लगा कि मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। माँ बाप की मालूम कैसे रेल बनाई थी हमने, अराध नाले से निकाल दिए गए, कितने हमने निकाल दिए जो उसके सरफिरे के पीछे पड़े हैं। तुम भी दिमाग खराब हो रहा तुम्हारा, उस सरफिरे यीशु के पास जाओगे? यहाँ कमेटी को खराब करोगे क्या? तुमको बिल्कुल बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो दोबारा नाम भी लिया। बिशप साहब, आपको जो करना हो करें, लेकिन मैं तो जा रहा हूं। लेकिन समस्या ये है, परसों ही यीशु गन्ने से गिरा, सेनियों के लाके चला गया नाव से, परसों की बात है। यीशु नासरी तो गिरा सेनियों के इलाके चला गया, और डॉक्टर 6-8 घंटे का समय दे के चला गया। मैं यीशु को कहां से ढूंढ के लाऊं? आज तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, यीशु उद्धार करता है, यीशु मसीहा है मेरे लिए, यीशु नबी है मेरे लिए। अब नौकरी रहे रहे, जाए जाए जाए, बस मैं फुल्ली कन्विंस हूं, लेकिन यीशु को कहां ढूंढूं? है कहां वो? परसों गया है, कम से कम एक आध महीना तो लगाएगा घुमा फिरी करते। अब आज की तरह थोड़ी मोबाइल से करके फटा ट्रैक डाउन कर दे, अब यूपीएस लगा लिया कुछ है, जीपीएस लगा लिया, यूपीएस ने चार्ज किया, जीपीएस ने बता दिया, आजकल की तरह थोड़ी क्या। अब यीशु ने कहाँ ढूंढ के लाए? जब उन्हें डिक्लेयर किया, बिशप और सारी कमेटी ने खड़े होकर कहा, यार हम आखिरी बार तुम्हें एक फिर चांस दे रहे हैं, तुम हमारे साथी हो, शुरू से तुम हमारे साथी हो, बहुत अच्छे तुम डॉक्टर साहब हो, बढ़िया ज्ञाता हो, बहुत अच्छे इंसान हो, पूरे समाज में थोड़ा सम्मान है, इज्जत है, सब लोग तुम्हें कितना प्यार से ट्रीट करते हैं, और तुम एक ऐसे पागल इंसान के पीछे जा रहे हैं जिसका अता नहीं, पता नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, बिल्कुल क्या भाव है, हमसे कभी वो मेल खाता है, हमसे उल्टी बातें करता है, समाज का तोड़ने वाला है, खुदा का विरोध करने वाला है। सुन लो, अगर जाओगे उसके पास तो हमारा सलाम है, और उसके बाद कमेटी और रजिस्टर से तुम्हारे नाम हर जगह से काट करके साफ कर दिया जाएगा। कहता, मैं फिर भी जाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटी की जान अब हलक में आ चुकी है। अजीजों, लोग खुदा के पास नहीं आते हैं, लेकिन खुदा लोगों को जानता है कि किसको कैसे लाया जाएगा, लाने के तरीके उसके पास हैं। उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए, उसकी जान ऐसी हलक में ला दी कि यार अब तो तेरी बच्ची गई गई गई। अगर बचाना चाहता है तो अपने उस विश्वास को जो तूने आधा पौना रखा हुआ है उसको खोल को हटा, खुल के बाहर सामने आ। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? वो तो गिरा सेनियों के इलाके में चला गया, और गिरा सेनियों की एसोसिएशन ने यीशु को भगा दिया है, किसी को पता ही नहीं है। एक छोटा लड़का था, कह
कहता अंकल जी एक बात बताऊं, मैं गया था पहले तो मेरा तबीयत खराब हुई थी ना, तो डॉक्टर लूका से मैंने इलाज करवा लिया था, वो तो चले गए, अब क्लिनिक बंद हो गई उनकी, और मेरे को खबर मिली है किसी खबरी से कि यीशु नासरी जो गया था ना गदरेनियों के इलाके में, वो वापस आ गया। ये कब? अरे आज सुबह सुना उसकी नाव लगी, अभी आधा एक घंटा ही हुआ होगा, कोई कह रहा मच्छी पकड़ने वाले को जाल वाल सूखते ना, उस साइड वो आ रहा है, आ गया है। अरे उन्हें ला भैया टोपी दो, चोगा दो, ये दो वो दो लेकर, अब जिसको जो कहना कहते रहो यार, अपना एड्रेस हो गया और भगा यार, अब भागा चला जा रहा कहाँ कहाँ, देखा हाँ भाई ठीक है, वो अभी तो पहाड़ पर है, थोड़े कफरन थोड़ी ऊंचाई पर है और नीचे स्लोप भी है, देखा उन्होंने, अरे एक भीड़ सी, अरे थैंक गॉड खुदा तेरा शुक्र हो, आज मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा। देखा तो यार दौड़ते चले जा रहे हैं लोग, बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, अरे कुछ नहीं, हाँ भाई चलो हम करते दौड़ता चला, दिल धकधका रहा है, लड़की मरने वाली है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, जल्दी मिलना चाहिए, ये भीड़ यीशु की कोई और है। काफ़ी आगे जाने के बाद पता पड़ा कि अब उस भीड़ में जो 200-300 की भीड़ है, लोगों ने देखा यार साहब यीशु मसीह की भीड़ में, यार साहब भाई साहब जय मसीह की, आप यहाँ, हाँ हटो जीसस है, हाँ है, लेकिन आप भाई वो उस शहर का है, सम्मानित आदमी है, हर व्यक्ति उन्हें जानता, आज भाई साहब आप, यार साहब जय मसीह के, यार साहब आइए, लोग जगह के रहे, आइए। वो ऐसा नहीं है कि उसे लोग लते आए हैं, ऑन रेबल समझो, मेयर जैसा पोजीशन रखता है शहर का, यार एक लौता आराधनालय है, उसका सरदार है, हर बंदा जानता उसको नमस्ते ठोक रहा है, आइए। यार वहां पहुंचता है और लिखा है कि अभी हमने पढ़ा था यीशु के कदमों पे गिर गया, प्रणाम कर रहा है, स्वीकार करना, अब उसे जो स्वीकार उसने मन में जाना हुआ था, अब उसको खुल के एक्सप्रेस कर रहा है, मसाया के आगे मेरे माथा टेकने में कोई दिक्कत नहीं है, नबी के आगे मुझे हाथ जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, समय का प्रॉफिट मेरी आंखों के सामने है और उद्धार करता मसाया मेरी आंखों के सामने है, इसके पैर छूने में, पैर पकड़ने में, नमस्ते करने में मुझे किसी प्रकार का एतराज नहीं है, सबके सामने। अब वो जो उसका सम्मान करने वाले 250-300 की भीड़ लगी हुई थी, जो यार के आने पे आइए साहब बैठिए, हटो, यार साहब आ रहे हैं, उनके आगे ये माथा टेक करके यीशु के कदमों पर पड़ा हुआ और निवेदन करता, प्रभु मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी बेटी मरने पर है। और हमारे यहूदियों का कस्टम है, अगर कोई नबी आकर के हाथ रख के आशीर्वाद दे दे, छू ले, तो उसको आशीर्वाद लग जाता है, चंगा हो जाता है। मैंने सुना है, अब उसे याद आ रहा है कि जक्कई जैसा आदमी, मैं जक्कई को भी जानता, यरीहो का है, लेकिन जानता मैं उसे भी हूं, किस प्रकार से जक्कई का हृदय परिवर्तन हुआ है यीशु मसीह की मुलाकात से, मुझे मालूम है कि कैसे इसने कोढ़ी को छू करके शुद्ध कर दिया था, मुझे मालूम है सूखे हाथ वाले का कैसे इसने हाथ बढ़ा दिया था। अरे हम क्या प्रचार करेंगे सरदार होने के नाते से, जो इसने बीज बोने वाले का दृष्टांत बता करके स्वर्ग के राज का ऐसा डिटेल दे दिया, ऐसा तो कोई पीएचडी वाला भी नहीं दे सकता। किस गहराई तक ये जानता है, किस गहराई तक इसके अंदर सामर्थ पाई जाती है। और हमें तो वो गवाही याद है जो यूहन्ना ने दी थी, मैंने अपनी आंखों से पवित्र आत्मा को उतरते कबूतर की नाई और इसके ऊपर ठहरते देखा है, यही है जो गुनाहों का माफ करने वाला है और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और यूहन्ना को हम सभी लोग जानते हैं, खुदा का आज का प्रॉफिट था, मैंने भी तो अपने कानों से सुना है, आज उसके सामने मैं हूँ और निवेदन करो प्रभु मेरे घर चलिए, मेरी बेटी पे हाथ रखिए ताकि उसे शिफा मिल जाए। इस वाली बात को सुनकर यहाँ क्या लिखा, और यार नाम, हाँ
उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उससे ये कहकर बहुत विनती की, एक बार नहीं बार 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 बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू चलकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। और यीशु मसीह ने कहा ठीक है यार, मैं चलता हूँ, तुम्हारे साथ चलूँगा, फिक्र की बात नहीं है, मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि लड़की का क्या हालचाल है। जैसे ही मुड़े तो मालूम पड़ा थोड़ी ही देर में वो औरत आ गई जिसको 12 साल से ब्लड इशू था, वो भी यार को जानती थी और यार उसे भी जानता था, हाँ हमारे चर्च की मेंबर है, मैं इनका पास्टर हूँ, वहाँ सब जान पहचान वाले हैं। और उसने छुआ और चंगी हो गई। यार वहीं यीशु मसीह के पास है, भीड़ में साथ साथ चल रहा, अपने घर ला रहा है और यीशु मसीह आ रहे हैं, औरत ने छुआ, यीशु मसीह किसने मुझे छुआ, अरे भीड़ तुझ पर गिर रही किसने छुआ, हाँ मुझ में से सामर्थ्य निकली है। यार ने देखा जब वो औरत आई बोलती है प्रभु मैंने छुआ, ये प्रॉब्लम थी, मैं ठीक हो गई हूँ। अरे अब आप देखिए उसके विश्वास का, मेरे घर चल लेना जीसस। जब इस औरत का 12 साल का ब्लड, मुझे जानता हूँ, मैं जानता हूँ इसको, कितने डॉक्टर तो मैंने ही रेफर करे इसके लिए, मेरे चर्च की मेंबर है, मैंने ही कहा था कि सिस्टर एक काम करो वहाँ ट्रीटमेंट करा लो, वो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे वो करवा लो, वह सब करवाया हुआ और मेरी आंखों के सामने इसने छुआ है और इसने गवाही दी कि मैं ठीक हो गई हूँ, और यीशु मसीह ने गवाही दी कि मुझे सामर्थ निकली और ये ठीक हो गई है, बस अगला नंबर अब मेरा ही है। और वो कहते हैं पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, चली जा, तेरे विश्वास ने बचा लिया है, तेरा विश्वास यही तो है, अगर मैं वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो यार तेरा विश्वास क्या है, जब इसके विश्वास के अनुसार हो सकता है तो मेरा विश्वास ये हाथ रखेगा तो ठीक हो जाएगी। वो ये कह ही रहा था इतने में घर के लोग दौड़ते चले आए, कहते सर यार साहब गुरु को तकलीफ ना दीजिए। क्यों, तो घर आ रहे हैं बेटी पे हाथ रखने के, ठीक करने के लिए, लड़की मर गई है, मर गई। अब जिससे पहले ख्याल है अब क्या हो सकता है, जब तक जिंदा थी हाथ रखते ठीक हो जाती, लड़की मर गई है, बाप है लड़की से बहुत प्यार करता है, उसकी मौत के बाद उसका दिल जो हिलता धड़कता है दाएं 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 धका धक धका धक धका, यीशु मसीह ने पलट करके ऐसे दिखाया जैसे मैंने सुना ही नहीं, और क्या बोलते हैं यार मत डर, विश्वास रख, केवल विश्वास रख, लड़की ठीक हो जाएगी, मत डर, केवल विश्वास रख। और चलते हैं, आप सभी जानते हैं, चलते चलते पहुंच भी गए। अब जब वहां गए रोना धोना शोक शोर शराबा चीख पुकार सब हो रही, होता ही है जब कोई मर जाए तो ऐसा होता है, जब ये सब चल ही रहा था तो यीशु मसीह अपना सर झुकाए जा रहे हैं और बोलते हैं क्यों शोर कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, अरे आपका मालूम है वो लड़की मर गई है, रोए नहीं तो क्या, हंसे चिल्लाए लड्डू बांटे क्या, तमीज नहीं आपको, क्या बात कर रहे हैं, लड़की मर गई इतने समय से बीमार पड़ी थी, रोए नहीं तो और क्या करें, लड़की मरी नहीं है सो रही है। हाँ ये देखो ये इनकी सुनो जरा, लड़की मर चुकी है, घंटा हो चुका है, हम सारी चीजें ला रहे हैं, धूप अगरबत्ती सारी लाकर मसाले लाके जमा कर रहे हैं लगाने के लिए, ये क्या कह रहे हैं, ये भविष्यवक्ता है, ये कोई भविष्यवक्ता है, ऐसी गंदी बात बोल रहा, मरी डेड बॉडी सामने पड़ी, कह रहा लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। बाइबल कहती उन्होंने उसका ठट्रा उड़ाया, हंसी उड़ाई, बड़े बड़े तेरे बारे में सुने थे कारनामे दिखाना आप करके, जब लोग उसका ठट्टा उड़ा रहे हैं हंसी मजाक कर रहे हैं, आप सोचिए लोगों का फेथ क्या है, अविश्वासी माहौल बना पड़ा है वहां पे, दुख का माहौल बना पड़ा है, रोना धोना वहां पे चल रहा है, और जब ऐसा माहौल बना हुआ है तो यीशु मसीह कहते हैं इन सबको बाहर निकालो,
अविश्वासियों को बाहर निकालो जो विश्वास नहीं करते हैं, उनने सारों को बाहर निकलवा दिया और केवल पतरस याकूब यूहन्ना विश्वास आशा प्रेम इनको साथ लिया। लड़की के माँ बाप को लिया का लगा चटकनी करो बाहर, ने बाहर कर दिया। अजीजो विश्वासी और अविश्वासी जब मेल करके चलते हैं तो ऊंट और बकरी के जुए में बहुत खराबी होती है, या तो इसी तरफ हो जाओ या उसी तरफ हो जाओ। तो यीशु मसीह एक सीख दे रहे हैं, एक साइड में हो जाओ। विश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं है, विश्वासी सब इकट्ठे जमा होते हैं और यीशु मसीह इनको लेकर के अंदर जाता है, जाकर के लड़की का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ के कहता है, लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और मरी हुई लड़की जिंदा हो गई, मरी लड़की जिंदा हो गई, ये किसी ने नहीं सोचा था ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यार यार को एक भरोसा था, मैंने जो इसके बारे में सुना कि इसराइल का नबी है, ये जो मसाया है, इसके पास सामर्थ है, इसने जो मौजे मिरेकल्स किए हैं, ये मेरे घर में भी हो सकता है। हमको लग रहा होगा बड़ी सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, हमने बहुत बार सुनी है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन बताऊँ इसमें बहुत सारी ख़ास बातें हैं, बहुत ढेर सारी बातें हैं। जब तक ये व्यक्ति अपने आप को अविश्वासी से अलग नहीं करेगा तब तक इसका काम नहीं बनेगा। ये कितना बड़ा बिलीवर हो, कितना सीक्रेट बिलीवर हो, जब तक ये अपने आप को एक्सपोज करके उन लोगों के सामने जिनसे डरता है, जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, रिश्तेदारी वाले हैं, जो उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, नौकरी चाकरी मुसीबत में डाल देंगे, रोटी पानी खराब हो जाएगी, जाने क्या क्या मुसीबतों को झेलना पड़ेगा इसे, जब तक उनकी परवाह किए बगैर खुल के सामने नहीं आएगा तब तक इसका काम भी नहीं होगा। लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो, एक अवस्था वो भी तो आई ना, अरे बिशप जो कह रहा कहने दो, नौकरी निकालेंगे निकालने दो, आराधनालय चला जाएगा जाने दो, या तो लड़की ही बचा लो या इनके झूठे सम्मान को ही ले लो। हम और आप जब इस झूठे सम्मान के लिए मरे चले जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी पोजीशन का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, जब तक ये करोगे खुदा की सामर्थ को नहीं देखोगे। इसने किया क्या, इसने केवल वो काम किया जो यीशु ने कहा था कर ले। फॉर एग्जाम्पल, एक बार यीशु मसीह को एक अंधा मिला और यीशु मसीह ने उसके आंखों पर थूक कर मिट्टी सान करके गोलियां बना के आई बॉल्स फिट कर दी और उससे कहा जाकर शीलों में धो ले। अब देखिए क्या करना होता है, जाकर शीलों के कुंड में धो ले। कहाँ से धो लूँ, मुझे तो पता ही नहीं शीलों का कुंड, जाऊँ कैसे, अंधा वैसे हूँ। Somebody help me, कोई मेरी मदद करो। और वो अंधा जो है, यीशु मसीह तो कह गए और कह के निकल लिए। अब अंधा टटोलता फिर रहा, शीलों का कुंड कहाँ, शीलों का कुंड कहाँ, शीलों का कुंड मालूम है उस जगह बेथसदा में है, लेकिन शीलों का कुंड है कहाँ। अब भाई कोई तो मेरी मदद करो, अपनी लाठी लिए टक 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 करता जा रहा। किसी ने पूछ लगा, हाँ भाई क्या बात है, अरे मैंने शीलों का कुंड जाया, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरे को वहाँ तक कुंड तक पहुँचा दो। यार कुंड तक क्या पहुँचाऊँगा, मैं जा रहा हूँ बाजार जल्दी में, एक काम करता हूँ मैं तेरे को 100 गज पहुँचा देता हूँ, वहाँ किसी और के साथ निकल जाना। 100 गज पहुँचा दिया, भाई मैं जा रहा हूँ मेरे को जल्दी है, टाइम हो रहा मेरा, ठीक है ना, सामने ही है, सामने ही है, निकल जाना धीरे धीरे। किसी औरत ने हाथ पकड़ा, भैया क्या बात है, मुझे शीलों का कुंड पहुँचा दो, शीलों का कुंड, शीलों के कुंड में, हाँ हाँ चलो 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 मैं पहुँचा देती हूँ, अरे भैया अंधा आदमी चलो ले चलते इसे। और वो बेचारी इसका हाथ पकड़ के धीरे धीरे करके शीलों कुंड में ले गई। अब जरा महकाई पानी की, हाँ पानी की महकारी, पानी की महकारी, कुंड में से पानी की महक आ गई, आ गया, हाँ बस भैया बस थोड़ा सा आगे जरा ढंग से चलना, ढंग से चलना, उबड़ खाबड़ सा भी है। उसके मन में धक धक हो रही है, क्या जैसे ही मैं धोऊंगा मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। ये विश्वास शीलों के कुंड में धो करके जो मिलेंगी आंखें, उस अंधे में धक 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 चल रहा,
किसने कहा? यीशु नासरी ने कहा। इस अंधे को विश्वास है, ये जो कहता वो हो जाता है, क्योंकि आजकल हमने बहुत किस्से सुने हुए हैं इसके, यीशु नासरी के, और इसने मुझसे भी कहा है शीलों के कुंड में जाके धो और तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। वहाँ जाता है, पहुँच गया, पानी भी मिल गया, वो लीच रहा है, आँखों पर लगा रहा है, अब खुलने वाली, अब खुलेंगी, अभी खुलेंगी, अब खुलेंगी, और खुलते 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 6x6। अरे खुदा तेरा शुक्र हो, यीशु नासरी की जय जयकार हो। क्यों? यीशु मसीह ने जो कहा था इसने एज इट इज फॉलो कर लिया, तो होना ही होना है। आपको ध्यान है यीशु मसीह ने कहा पतरस बहुत भीड़ आ गई है, एक बार सरमन देने के लिए मेरे पर टूटे पड़ते, मुझे छूने के चक्कर में रहते हैं, एक काम कर अपनी नाव ले आ, तो मैं नाव में खड़ा होकर प्रचार कर लूँगा। ठीक है, प्रीचिंग हो गई, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने लेक्चर वेक्चर दिया और सबको विदा किया, अच्छा भाई आज का सलाम, कल फिर मुलाकात होगी। और फिर पतरस से कहा पतरस गहरे में ले चल लाओ। इसी से कुछ पहले की घटना है, ये थोड़ी पहले की घटना है, और गहरे में नाव ले चल, वो ले गया और कहा कि अब गहरे में जाल डालो तो मछलियाँ पाओगे। अरे प्रभु, कल हमने सारी रात यहाँ जाल डाला है और मछली कुछ भी नहीं मिली, इसमें है ही नहीं। हम लोग प्रोफेशनल मछुआरे हैं, यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, है ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा क्या मैंने नहीं कहा दाहिने डालो तो पाओगे? प्रभु तू कहता है डालते, तू कहता है तो डालते हैं। और पतरस ने जैसी जाल डाला इतनी मछली की जाल फटने लगे। क्यों? तूने कहा है दाहिने जाल डालोगे तो पाओगे, हमने दाहिने जाल डाला और पाया। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ उसका मकसद ये है कि जो यीशु ने कहा है वो होगा, आसमान जमीन टल जाएंगी, मेरी बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। अजीजो, यीशु मसीह ने कहा था यार मत डर, विश्वास रख, तेरी, यहाँ पे नहीं लिखा है, लूका की इंजील में लिखा हुआ है, मत डर केवल विश्वास रख, तेरी लड़की ठीक हो जाएगी, बच जाएगी। और इस वाली को टेक लगा करके यार चला आ रहा है। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन क्रक्स की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह तो जो करता है करता ही है, जो कर रहा है कर ही रहा है। मैं और आप आज कैसी अवस्था में हैं? यार तो सीक्रेट बिलीवर था। बहुत से लोग अपनी मीटिंग में आते हैं, अब जैसे आज भी बैठे हुए आते हैं, जानते हैं सही जगह है, सच्चा वचन है, यहाँ पर खुदा है, यहाँ पर गुनाहों की माफ़ी है, यहाँ पर ज़िंदगी नजात है, लेकिन डरपोक होने के नाते से, समाज के डर से, कुछ पैसों के नुकसान से, कुछ इज्जत के नुकसान से, कभी कदम उठा करके यीशु को ओपनली यायर की तरह जैसे उसने स्वीकार किया, स्वीकार नहीं करते हैं, बरकतें लेके चले जाते हैं। छोटी छोटी मिल जाती है, लेके चले जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में तो नरक, नरक इंतजार कर रहा है। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह कल आज युगानों के एक सा है, सेम पावरफुल गॉड है। जो उसने कहा उसको निभाता, उसने कहा आसमान जमीन टल जाएंगे, मेरी बातें हरगिज नहीं टलेंगी, केवल विश्वास रखो, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। आज मसीहत मर रही है, बिलीवर कहलाने वाले लोग बेगलो कहना बेहोशी के आलम में चल रहे हैं, सामर्थ्य नहीं है, चरित्र नहीं है, प्रकाशन नहीं है, केवल जिंदगी को ढो रहे,
जैसे वो लड़की मरी नहीं लेकिन मरने पर है, इसी प्रकार से आज की मसीहत भी मरी नहीं है लेकिन मरने पर है। अरे कोई ज़िंदा कर सको तो करवा लो, यीशु मसीह के नाम में करवा सको तो ज़िंदगी आ जाएगी, लेकिन ज़िंदा होने के लिए आपको यायर की तरह अपने सब छोड़ना पड़ेंगे, बंधन सब रस्सियाँ काटना पड़ेंगे, अलाइनमेंट सारे जितने इधर उधर कर रखे सब काटना पड़ेंगे कि नहीं इस नाव में भी पैर रहे उस नाव में भी, और फिर ऐसे चला लो ऐसे नहीं चला करता, एक नाव में आना ही पड़ेगा। जब तक यायर दो नाव में था जानता तो सब था लेकिन काम नहीं बन रहा था, जब तक वो एक साइड में यीशु मसीह के नहीं आया। लोग कह रहे होंगे जब जा रहा होगा कि लौट के आओगे तब तक ये तुम्हारी जिंदगी उजड़ चुकी होगी, नौकरी ख़त्म हो जाएगी, वर्क्स चले जाएंगे, आप सड़क पे फुटपाथ पे आ जाओगे, उसके बाद कैसी ज़िंदगी कटेगी उसकी मुझे परवाह नहीं है, मुझे तो अब अपनी बेटी की जान प्यारी है, उसकी ज़िंदगी मुझे चाहिए, मैं हर चीज़ दांव पे लगा रहा हूँ। और उसने लगा दी, लेकिन दांव पे लगाने के बाद क्या हुआ? हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्या हुआ होगा, जिसने खुदा के ऊपर दांव लगाया है किसी का चेहरा आज तक शर्मिंदा नहीं हुआ, उन्होंने रोशनी पाई, ज्योति पाई, उनके जीवन में अच्छाई आई है, उनके जीवन में बढ़ोतरी आई है, तरक्की आई है, खुशहाली आई है, और वो जिसके साथ हो गए ना फिर तो खुदा की खिदमत और सेवा में लग जाता है, फिर वो प्रचार करने लगता है, गवाही देता है, और गवाही गवाही होते 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 प्रचारक बन जाता है, उसे ही नहीं पता पड़ता मैं गवाही देते देते कब प्रचारक बन गया। मैं तो अपनी जानता हूँ, मैं गवाही देते देते मैं कब प्रीचर बन गया मुझे खुद नहीं पता, बन गया बस, क्योंकि खुदा ऐसे हालात लाता है, ऐसे मौके लाता है, आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, छोटा सा मैसेज है जो मैंने कहना था कहका दिया है, आप खुदावंद यीशु मसीह के कहे गए वचनों पर केवल विश्वास करें, और इस विश्वास करने से क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी कमियाँ घटियाँ पाई जाती हैं, बुराइयाँ पाई जाती हैं, जो कुछ आप चाहते हो वो सब आपके लिए हो जाता। कल एक जगह हमारी बातचीत हो रही बहुत दूर, एक लड़की है जिसको 12 वर्ष से ब्लड इशू है, यही सेम केस, कह रही अंकल मेरे को 12 साल, मैं जब 7th क्लास में थी तब से प्रॉब्लम है, बहुत इलाज कराया ठीक नहीं हो पाई हूँ आज तक, जिसकी वजह इतनी मेडिसिन ली है, कभी रैशेज हो जाते हैं, कभी खुजली हो जाती है, कभी कुछ रिएक्शन हो जाती है, इसके वजह से मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्कूल टाइम में भी रहा, कॉलेज टाइम में भी रहा, और मैं इतनी परेशान हूँ। तो हमने कहा एक काम करो, तुम एंड टाइम बिलीवर हो, अपने पास्टर जी से बोलना कि मेरे सिर पर तेल मल के प्रार्थना करें। कहते वो नहीं करते, कहते नहीं, सर पे हाथ रख के मना करते। अच्छा, तो हमने सर पे हाथ रख के तो दुआ करवाई होगी तुमने शिरडी से, कह लेंगे नहीं, कहले वो कहते नहीं सिर पे हाथ रख के दुआ नहीं करते, लिखा ना तुम होते उसमें जल्दबाजी में किसी पे हाथ नहीं रख देना, रखना ही छोड़ दिया। अरे अनजान के लिए, अनाड़ी के लिए, नए नवाड़ी के लिए, आज चर्च पहली बार आया दूसरों के लिए दुआ करने लगा हाथ रख के, एक ऐसा केस है छिंदवाड़ा में, अभी ठीक से क्रिश्चियन बना नहीं, मैं सबके लिए करूँगा, अबे तेरे पे उल्टे भूत चढ़ जाएंगे, पहले खुद तो बिलीवर बन जा ढंग का। तो ऐसों के लिए लिखा है कि किसी पे आनन फानन वैसी हाथ मत धर देना। अरे जब तुम एक ट्रेंड सीजनड बिलीवर बन गए उसका हाथ धरना यार, हाथ धर के तो दुष्ट आत्माएं बीमारियां जाती हैं। मैंने कहा भाई पांचवा अध्याय पढ़ना याकूब का लिखा है, अगर तुमने कितने पाप अपराध भी किए हो जिसके कारण से बीमारी आई है, लोग प्राचीन लोग क्या करेंगे, मसीह के नाम पे तेल भरकर प्रार्थना करेंगे तो रोगी बच जाएगा, कैसी भी बीमारी हो बच जाएगा, हम तो खूब करते रहते हैं। तो मैंने तेल रख के पहले ना कोई करता, कोई पास्टर नहीं करता, उसने एक बात कही कि मुझसे सब ये कहते हैं तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण तुम चंगी नहीं हो रही हो,
मैंने हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। बाइबल ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, तो ऐसा होता रहा है। लेकिन जैसे विश्वास का नहीं है, मैंने कहा तुम्हें मालूम है इसी घटना से तो पहले की घटना है, ये जो अभी पढ़ी ना हमने यार की, इससे दो दिन पहले की घटना है कि यीशु मसीह घर में बैठे थे, वही कफरनहूम का ही था। कफरनहूम बैठे थे जहाँ पे छत फाड़ करके वो उतारा था फालिज का मारा। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जब फालिज के मारे को खाट पर से छत फाड़ के उतारा गया, तो यीशु मसीह ने उन लोगों का विश्वास देख के, वो तो फालिज का मारा उसे क्या पता, अब जो बंदा कोमा में पड़ा बेहोश पड़ा हुआ है आईसीयू पड़ा, उसका क्या विश्वास है, उसे तो होश ही नहीं है। उनका विश्वास देखकर जो लेकर के आए थे उस झोले के मारे से कहा जात बेटे तेरे गुनाह माफ हुए, और बाद में अपनी खाट उठाओ चल। आपने पढ़ा होगा, हमने यहाँ से प्रचार भी कर रखा है, भाई ब्रैनम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज मैं इन लोगों की खातिर अपने फेथ को बीच में लेकर के आता हूँ। पता नहीं इनका विश्वास नया पुराना मड़िया मरा टूटा कैसा वाला है, इनका जैसा भी हो मैं अपने फेथ को अप्लाई कर रहा हूँ कि मेरे फेथ को कंसीडर करके आप इनको शिफा बख्शिए। तो मैंने बताया कि भैया ऐसा है, हमारे विश्वास से भी काम होता है और तुम्हारे विश्वास से भी काम होता, लेकिन विश्वास होना चाहिए। अब हमने तुम हो भी इतनी दूर, ना तुम यहाँ आ सकती ना हम वहाँ जा सकते, काश कि तुम दिल्ली में होती तो अब यहीं पे तेल लगा के कर देते काम सब सही। हमने फिर भी चलो कोई नहीं, तो बोली अंकल आप अपने विश्वास से दुआ कर दीजिए। मैं चल मैं करता हूँ अपने विश्वास से, जितना तुझ पे हो सके कर लेना। तो मैं बार बार सोचे 12 वर्ष वाला केस है भाई सेम, तो कल करी फिर मैंने दुआ। हमारा ठीक है अब दुआ करना, विश्वास करो वो सही करेगा। इलाज इसका मेडिसिन नहीं है जो तुम कर चुकी हो 12 साल, देख लिया कोई इलाज नहीं है इसका, इसका इलाज सिर्फ यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है, ठीक है ना। तो खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, और अब आपको एक आखिरी ऑफर दूंगा मैं, मौका है आपके लिए कि यदि आप कोई ऐसी समस्याओं से परेशान हैं, ऐसी आवश्यकताओं में हैं कि आपको भी छुटकारा चाहिए, यार की तरह आपको भी ज़िंदगी चाहिए, औरों की जक्कई की तरह आपको कुछ चाहिए, अंधे की तरह आपको आंखें चाहिए, ओढ़ी की तरह आपको शुद्धिकरण चाहिए, जो आपको चाहिए आप विश्वास कीजिए यीशु मसीह के वचन पे, सच्चाई ईमानदारी से, और खुदा बंदी देगा। केवल विश्वास रखना, ठीक है ना, केवल विश्वास रखना है, इधर उधर नहीं। अरे हम तो करते हैं, अरे देख चुके हैं, कई ट्राई मार चुके हैं, तो ऐसे ही रहोगे ऐसे ही जाओगे, लेकिन चाहोगे इसे निचोड़ सकते हैं। मेहरबानी से अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। म्यूजिक को सुनते रहिए, गाना आपको आता है। Only believe, all things are possible. Only believe. जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपकी आवश्यकता है, खुदावंद के सामने आप रख सकते हैं। आप खुदा को अपना हाथ दिखा सकते हैं, वो जानता है आपकी जरूरतों को। Oh, believe.
छुटकारा दे सकता है, आपको चंगाई दे सकता है। जी हाँ, वो सब कुछ कर सकता है, केवल आपने विश्वास रखना है। जक्कई ने किया, उसके साथ हो गया। अंधे ने किया, शीलों में उसके साथ हो गया। 12 वर्ष के ब्लड इशू वाली औरत ने विश्वास किया, उसके साथ हो गया। और याइर ने विश्वास किया, याइर की मरी लड़की भी जिंदा हो गई। तो आपके साथ भी अवश्य ही आज हो जाएगा। आप विश्वास करें, आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना करी जाए, आप अपने हाथ प्रभु को दिखाएं, इशारा करें कि मैं भी हूँ, मैं आपसे विश्वास करता हूँ, मैं खुल के सबके सामने हाथ उठा रहा हूँ, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं ओपनली आपके सामने आ रहा हूँ और सबको भी डिक्लेयर कर रहा हूँ कि यीशु मसीह आप मेरे बचाने वाले हैं, आप मेरे छुड़ाने वाले हैं, आप मेरे उद्धार करता है। इसलिए मैं हाथ उठा रहा हूँ, प्रभु आज मुझको छुटकारा प्रदान कीजिए। आप अपने हाथ उठाइए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू में होते हुए स्वर्ग पिता अनुग्रह के सिंहासन के सामने हाजिर है, जहाँ से रहम ही रहम निकलता है। मेरे भाई बहनों ने आपका वचन सुनकर अपने हाथों को उठाया है, क्योंकि इनके कुछ परेशानियां हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ बंधन हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, ये उसको पाना चाहते हैं, उनसे छूटना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह हर एक भाई बहन को उसके मन के अनुसार जो उसने इच्छा आपके सामने रखी है और जो आपने उसकी आवाज़ को दिल की सुन लिया है, उसको प्रभु आप स्वीकार कर लीजिए, छुटकारा दे दीजिए, चंगाई दे दीजिए, बरकतों से भर दीजिए, विश्वास से और दृढ़ कर दीजिए और अपनी दुल्हन के रूप में अच्छी तरीके से आशीषों से तृप्त कर दीजिए। जो भी ज़रूरतें हैं यीशु नाम में प्रदान करी जाए, जो भी शैतान की ताकतें हैं यीशु नाम में काट कर धाराशाही हो जाए। और हर भाई और बहन आज प्रभु तेरा धन्यवाद करें और आपके नाम की महिमा से ताइश करें। एक बार फिर प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हुए कि आपने इस छोटी जगह में विजिट किया, हमसे बातचीत करी, हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमें भरोसा और विश्वास है कि आपने उनका जवाब दे दिया है, जिसको हम मुजस्सम होते हुए देखना चाहते हैं और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वाले को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हर एक ईमानदार के साथ, मसीह के दुल्हन के साथ और ख़ास तौर से गोशेन की कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हो, आशीष दे, अपने अनुग्रह में बना करके रखें।